तो सभी का स्वागत है। जितने लोग भी अभी जुड़े हैं हमारे बीच, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से उस पक्ष को रखना चाहता हूं कि जो हमारे निदेशक महोदय हैं उनके साथ 29 तारीख को हमारी एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पे चर्चा हुई कि जो लॉकडाउन में हमारे पास जो ऑनलाइन टूल्स हैं वो एक बड़ा ही इमर्ज इनका रोल है, और उसके बिना हम आगे की जो कार्य है वो नहीं कर सकते। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं या लेक्चरर्स हैं वो इसको जाने और सीखे, और इनको बिना सीखे फिर वो आगे का काम, कोई जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है या एजुकेशन है, उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी था कि वेबिनार मोड में हम क्लासरूम को लाएं, और वेबिनार मोड में अगर हम क्लासरूम को लाएं तो उससे पहले हम पहले सीखे कि वेबिनार आयोजित कैसे किए जा सकते हैं। तो इस कड़ी में हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम लोग 6 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो 6 प्रोग्राम में आज ये चौथा है वेबिनार, 3 हम लोगों ने आयोजित कर लिए हैं, आज ये चौथा कार्यक्रम है। और आज के दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे बीच जो जुड़े हुए हैं, काफी जाने माने लोग हैं और उनकी बहुत ही एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में, और वो लोग लगातार लगे रहते हैं इन सब कामों में, चूंकि ज्यादातर लोग उनमें दूरस्थ शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो दूरस्थ शिक्षा में ऑनलाइन टूल्स की महत्ता पहले से ही बहुत रही। तो इस आज के कार्यक्रम का संचालन भी हमारे बीच कर रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर कलीग है हमारे सुनील कुमार सिरपुरकर सर। सुनील कुमार सिरपुरकर सर भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर यहाँ विशिष्ट शिक्षा जो है उसमें सहायक प्राध्यापक है, और काफी वर्षों से उनका अनुभव है, करीब 20 साल से अधिक उनका कार्य अनुभव इस फील्ड का है, डिसेबिलिटी फील्ड में। तो इनका एक अनुभव भी अपने आप में बहुत है। तो आज के कार्यक्रम का संचालन जो है वो सुनील सिरपुरकर सर करेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि सर आए, इस कार्यक्रम को संचालित करें, और वो जो हमारे साधन सेवी हैं, जो अतिथि साधन सेवी हैं, उनको भी आमंत्रित करें। सुनील कुमार सिरपुरकर सर। थैंक यू डॉक्टर पंकज सर। पंकज सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ऑडिबल है सर आपकी। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। जैसा कि डॉक्टर पंकज सर ने बताया था अभी कि जब से हमारे नए निदेशक साहब ने यहाँ ज्वाइन किया है तो उन्होंने एक विचार हम सबके सामने रखा कि क्यों ना इस कोविड की कंडीशन में, जिसमें हम पूरा कम्युनिकेशन हम अपने विद्यार्थियों से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम वेबिनार के माध्यम से अपने विद्यार्थियों से कम्युनिकेशन करें और अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषय पर एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करें, मंथन करें। तो उसी के अंतर्गत इस ये वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसा भी डॉक्टर पंकज सर ने बताया, आज चौथा वेबिनार हम लोग कर रहे हैं। इस वेबिनार को करने का शुरुआती का लक्षण या शुरुआती का जो उद्देश्य ये है कि कैसे वेबिनार ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, सबसे पहले हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में आज का जो वेबिनार है उसका विषय है कि जो ऑनलाइन क्विज और टेस्ट होते हैं स्पेशल एजुकेशन में, वो किस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब वेबिनार की बात होती है तो ऑलमोस्ट धारणा ये बन जाती है कि इसमें केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें केवल वक्ता आते हैं और अपने विचार व्यक्त रखते हैं और विचार रखकर वो चले जाते हैं, लेकिन जो श्रोता है वो अपना फीडबैक कैसे दे। श्रोता यदि कोई श्रोताओं का यदि किसी प्रकार का हमको इवोल्यूशन करना है या उनका मूल्यांकन करना है या किसी प्रकार का उनका फीडबैक लेना है तो किस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो आइए आज इसी पर हम विचार करते हैं। इस विषय पर हमारे साथ आज 2 रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं जो अपने फील्ड में काफी विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। आइए इनसे हम रूबरू होते हैं। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगा डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी का, ये हमारे रिसोर्स पर्सन है आज। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। सर ये फैकल्टी थे, डीन थे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में कोटा यूनिवर्सिटी में, अभी वर्तमान में प्रिंसिपल है भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सवाई माधोपुर में। सर के एक्सपर्टीज है एजुकेशन में, और हम लोग आज सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इस ऑनलाइन मोड पे किस प्रकार से हम क्विज और टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर आपका पुनः स्वागत है। इसी क्रम में जो दूसरे हमारे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर रवि गुप्ता जी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी में, ओपन यूनिवर्सिटी में कोटा में,
सर की जो एक्सपर्टीज है वो मैथमेटिक्स में है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन शीट्स हैं या स्कोर है या अटेंडेंस है या और ढेर सारी जो चीजें हैं ऑनलाइन मोड पे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जहां तक हम बात करते हैं क्विज और टेस्ट की और जहां तक बात करते हैं इवोल्यूशन की। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रवि गुप्ता सर को, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री रवि गुप्ता सर। थैंक यू सर। इससे पहले कि अपन स्टार्ट करें, पहले आपको जहां तक मुझे ध्यान है कि एक वेबिनार में पहले आपको गूगल फॉर्म का इनिशियल मोड बता दिया गया है। एम आई ऑडिबल? जी जी जी। यस। तो अब अपन जल्दी से उसको एक बार इनिशियली देखते हुए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्विज प्लान करें, क्विज की अवार्ड उनके एक्सेल स्प्रेडशीट कैसे अपन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहता हूँ और स्क्रीन में यहाँ पे मैं आपको अब गूगल फॉर्म्स में जाने के लिए सब लोग गूगल फॉर्म्स आप थोड़ा अवेयर हो चुके होंगे। गूगल फॉर्म्स में जाने के लिए अपने पास दो रास्ते होते हैं। यहाँ पे हम चाहे इसमें गूगल में सीधा सीधा टाइप करें गूगल, गूगल फॉर्म्स इस पे एंटर करके भी आप इसमें गूगल फॉर्म में आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिया यहाँ पे गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे पर्सनल यूजी, यहाँ पर आपने लिया गो टू गूगल फॉर्म पर्सनल पर। यहाँ पे देखिए आपके पास गूगल फॉर्म खुल चुका है। एक वे तो आपके ही होता है, अदरवाइज आप अपने मेल में लॉगिन करके यहाँ पे मेल में यहाँ पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इन डॉट्स में आप क्लिक करें ड्राइव पर। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ माई ड्राइव आपको लिखा हुआ मिल रहा है, माई ड्राइव में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा मोर। मोर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल फॉर्म। जैसा आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक अनटाइटल गूगल फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे आप इस फॉर्म को कुछ भी नाम देना, जैसे आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसको आप क्विज बनाना चाहते हैं तो इस पे अपन ने नाम दिया क्विज फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च। जैसे आपने ये नाम दिया, ये फॉर्म आपका इसके फॉर्म का नाम हो गया कि यहाँ पे क्विज फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च। ये नाम बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पर भी आता है, बट ये नहीं है कि आप यही नाम इसमें यहाँ पे रखे, इसका कुछ और भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने इसको लिया पार्ट वन, यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसमें आप क्या क्या लेना चाहते हैं स्टूडेंट से, क्या नहीं लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आपने लिखा जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी क्विज आ रहा है। क्विज में आप यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके जैसे आप लेना जो भी शॉर्ट आंसर लेना चाहते हैं, पैराग्राफ लेना चाहते हैं, चेकबॉक्स अपन आगे डिस्कस करेंगे, फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे सपोज सेलेक्ट किया शॉर्ट आंसर, यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले सपोज नेम, नेम में आपने यहाँ पे शॉर्ट आंसर यह हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे एड किया अनादर, आप इसका कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, तो ये आपके देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेम कॉपी होगा। दूसरे में आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं मोबाइल, किसी एक दिन भी आप आगे कर देंगे मैं, और कुछ कुछ होता है ना कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट में कोलैबोरेट कर लेंगे जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जो आपके एग्जिस्टिंग कुछ रिसोर्सेज हो उसी को हम लोग कुछ ऐसा देख लेंगे। मोबाइल नंबर में आपने यहाँ पे लिया हेलो, यस मोबाइल नंबर में आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि पहले ऊपर शॉर्ट आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर से, यहाँ पे आपने लिया नंबर, नंबर लिया तो आपका जो आंसर आएगा वो एक नंबर में आएगा। बट सपोज अपन ने यहाँ पे लिया लेंथ, लेंथ में आप जैसे मोबाइल नंबर आप जानते हैं कि कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। मैंने बोला कि मिनिमम कैरेक्टर काउंट यहाँ कितना लिखा 10। अब इसमें अगर कोई कोई भी जो आपका कैंडिडेट है वो इसको फॉलो नहीं कर पाता है जो आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली, तो उसको मैसेज क्या दिखेगा, यहाँ पे आपने लिखा कि मोबाइल एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर,
ओके। अब आप जब भी किसी से इसका अपन प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपका, तो ये आपका जो आई लिखा है इसमें आप कहीं भी कभी भी अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ प्रीव्यू में आपका रहा पार्ट वन जनरल इन्फॉर्मेशन, नेम, योर आंसर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सपोज मैंने डाला 9876543211, मैंने 9 डिजिट डाले। जैसे 9 डिजिट डाली, इसने बताया कि आपको एंटर किया, जो आपने मैसेज यहाँ लिखा कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट करना है। मीन्स अगर आपकी डिजिट जैसे 10 से कम होती है, वो आपको मैसेज करेगा कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको मोबाइल नंबर सही करना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज 0 डाला, ये आपका हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? देन वापस हम अपने फॉर्म में आते हैं। फिर नेक्स्ट आपने एक और क्वेश्चन लिया सपोज इसमें कि आप यहाँ पे लेना चाहते हो ईमेल आईडी। इसको भी आपने शॉर्ट आंसर रखा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को अपन समझते हैं। तो आपने बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन बच्चे के लिए, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ये एड सेक्शन। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक नया सेक्शन हो गया। मींस ये क्या, इस सेक्शन ने क्या किया कि ये फॉर्म आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहला पार्ट आपने लिया जो है जनरल इन्फॉर्मेशन का है, अनदर पार्ट अब आपके पास आ गया है। इस पार्ट में मैंने लिया कि क्विज, इसमें आपने डाले जो आपको क्विज आपको डालने, वो आपने इसका डिस्क्रिप्शन इसमें इसमें आपने लिखा कि सपोज आप इसमें डालते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, ये जैसे आपने किया ये आपका नया एक सेक्शन बन गया। अब इसमें आप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं, तो सपोज आपने लिया सिंपल एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन वन अपन ने लिया राहुल गांधी, ऑप्शन टू सोनिया गांधी, एड ऑप्शन पे आपने यहाँ पे आया के लिए कहा मनमोहन सिंह, एड ऑप्शन यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने लिया नरेंद्र मोदी, ये आपके पास आ गया है। तो अब इसको क्विज करना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस, अब आप चाहते हैं इसमें बच्चों को अवार्ड हो, तो यहाँ पे आप इसमें सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, सेटिंग में आपने इसे क्लिक किया, आपको यहाँ पे लिखा है क्विज, यहाँ पे आपने लिखा मेक दिस ए क्विज, तो ये आपके एक क्विज बन गया। इसमें आपके अवार्ड होगा, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं कि जैसे आप अगर मार्क्स बच्चे को रिलीज करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जैसे बच्चा आपका क्विज कंप्लीट करे उसको जस्ट बाद उसको उसके अवार्ड देखते हैं, तो आपने इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, इसमें जैसे ही बच्चा आपका मार्क ये अपना क्विज सबमिट करेगा उसको आता तो उसको रिजल्ट देखेगा। उसके अगर आप चाहते हो नहीं इसको पहले हम लेटर पहले हम देखें कि क्या हो सकता है, तो आपने लेटर आफ्टर मैनर भी हो, तो जब आप चाहेंगे जब इसमें उसको बच्चे को रिजल्ट दिखेगा। फिर आप ये चाहते हैं कि बच्चा क्या क्या देख पाए, तो जैसे बच्चा ये देखना चाहते हैं कि उसने कौन कौन से क्वेश्चन मिस कर दिए, तो मिस क्वेश्चन पे हमने टिक किया तो ये उसको बताएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन मिस कर दिए। आप ये चाहते हैं कि आंसर देने के बाद क्विज खत्म करने के बाद बच्चे को करेक्ट आंसर पता लग जाए, तो आपने इस पर टिक किया तो वो करेक्ट आंसर बताएगा। फिलहाल अपन अपने इसको हटा देता हूँ, इससे क्या होगा बच्चे को केवल उसका स्कोर दिखाई देगा, उसको करेक्ट आंसर दिखाई नहीं देगा। पॉइंट वैल्यू अगर आप इसमें से हटा देते तो पॉइंट वैल्यू आपके गायब हो जाए, बट क्विज में पॉइंट वैल्यू एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए अपन इसको सेव कर ले। अब जैसे ही क्विज किया यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है आंसर की, पहले ये डिस्प्ले नहीं हो रहा था। जैसे अगर मैं इसको वापस से आपके सामने दिखाऊं कि इसको मैंने क्विज से हटाया, तो आप देखिए यहाँ पे आंसर की वाला ऑप्शन गायब हो चुका है। बट जैसे आप इसको क्विज बनाएंगे, ये आपने क्विज बनाया है तो आपके पास ये आंसर की वाला ऑप्शन आ गया है। अब आंसर की पे जैसे आप क्लिक करेंगे,
यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपने बोला करेक्ट आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे आपने लिखा इसमें कितने पॉइंट्स का आप रखना चाहता हूँ, सपोज आपने क्वेश्चन रखा 2 मार्क्स का, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 मार्क्स, डन किया, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया कि इस क्वेश्चन आ गया इसका करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी है। जैसे बच्चा इस पे क्लिक करेगा उसको 2 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि बच्चा कंपल्सरी इस क्वेश्चन को अटेंड करे, तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसको आपने जैसे क्लिक किया में से आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ गया, मीन्स उसको बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर करना जरूरी। नेक्स्ट अपन इसमें चलते, सपोज मैंने एक और क्वेश्चन बनाया, अब इसको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह मैं लेना चाहता हूँ शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में मैंने लिया हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बच्चा अपना आंसर लिख सकता है। आप अगर ये चाहता है यहाँ पे इनके ऑप्शंस का अपन विचार करते हैं कि अगर बच्चा भी चाहता है, आप चाहते हैं कि बच्चा यहाँ पे आंसर लिखे तो यहाँ लिख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पैराग्राफ लिखे तो बच्चा यहाँ पे टाइप करके पूरा पैराग्राफ, जैसे आपकी डिस्क्राइब इंडिया, तो यहाँ बच्चा पूरा पैराग्राफ टाइप कर सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बच्चा कोई फाइल अपलोड करे, जैसे आपने लिया फाइल अपलोड, तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ रहा है कि लेट रेस्पोंडेंट अपलोड फाइल को ड्राइव, यानी जो भी रेस्पोंड करे उसको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, वो फाइल आपके कहाँ जाएगी, आपकी गूगल ड्राइव में। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, किस टाइप के आपके किस फॉर्मेट के आप फाइल चाहते हैं, अगर आप स्पेसिफिक किसी फॉर्मेट की फाइल चाहते हैं तो आपने यहाँ पे यस किया। जैसे आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, PDF, वीडियो, ऑडियो, इमेज, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते उस पर, जैसे मैंने लिया PDF, तो ओनली अब ये क्या कौन सी फाइल ये ओनली लेगा, PDF फाइल लेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स आप ये चाहते हैं कि बच्चा कितने फाइल अपलोड कर सकता है, जैसे आप यहाँ पे भी चल रहा है बाई डिफॉल्ट 1, इफ आप चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चा 5 फाइल अपलोड करे या कोई कस्टमाइज करना चाहते तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। फाइल साइज, जैसे आपने इसमें देखा कि आपकी फाइल्स पूरी कहाँ अपलोड हो रही है, आपके गूगल ड्राइव में, तो आप ये चाहते हैं कि फाइल की एक साइज की लिमिट हो जाए, तो आप जैसे इसमें 1 MB, 10 MB, 100 MB आप इसको कर सकते हैं। अगर बच्चा उससे अपर लेवल की साइज की फाइल अपलोड करता है तो ये गूगल फॉर्म उसको नहीं लेगा। दूसरा आप अपन चाहते हैं कि आपने जो फाइल अपलोड लिया, अब इसमें बात करते हैं मल्टीपल चॉइस तो आपने देख ही लिया, अब आप चाहते हैं कि चेकबॉक्स में मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज करता हूँ थोड़ा, कि फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर ग्रेटर देन 5 इज, आपने क्वेश्चन लिया नंबर ग्रेटर देन 5 इज, ऑप्शंस आपने लिए फॉर, अनादर ऑप्शन आपने लिया 6, अनादर आपने ऑप्शन लिया 7, अनादर आपने ऑप्शन लिया 2, ओके okay? अब बताइए आप 5 से ग्रेटर नंबर कौन कौन है, 6 एंड 7, तो यहाँ पे मैंने आंसर की में गया, आंसर की में मैंने टिक किया करेक्ट आंसर 6 एंड 7, इसको मैंने किया क्वेश्चन के पॉइंट 2 ही रखे। अब जब भी इसमें अपन किससे प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू आप जब देखेंगे तो आपके सामने पार्ट 1 आ रहा है, पार्ट 1 में सबसे पहले आपके ईमेल रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने लिया ईमेल .com, नेम रवि, मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी 9876543210, एक रैंडम मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि आपने इसमें फाउंडेशन लगा रखी जैसे 10 से कम लेगा ये आपका नहीं लेगा। यहाँ ईमेल एक 2 बार इसलिए मांगता है कि ईमेल एक बार आपने पूछा है, एक बार ये गूगल फॉर्म बाय डिफॉल्ट मांगता है, अगर इसकी सेटिंग में इसको चेंज करना चाहते हैं कि बच्चे का ईमेल आपको नहीं चाहिए तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल मैंने वापस से डाला, ईमेल यहाँ पे मैंने डाला केशव गुप्ता ईमेल पे, अपन ने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मस्ट बी ए नंबर अपन ने उसमें ईमेल में जो किया है फॉर्म
अपने फॉर्म में आपने यहाँ पे जो लिया है ईमेल में, वो आपने यहाँ पे क्या लिया है, ईमेल में आपने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या लेना चाहिए, नंबर लेना चाहिए। तो जब तक आप नंबर लोगे तो आपने यहाँ पे जैसे आपने इसमें टैक्स डाला, इसने मना कर दिया लेने से, तो अपन इसमें यहाँ पे आपने क्या टैक्स, ओके। अब आपने इसको फिर से प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पे योर ईमेल एड्रेस केशव गुप्ता 0@gmail.com, नेम रवि, मोबाइल नंबर 0। अब यहाँ पे आप देखिए ईमेल जो पहले आपने नंबर्स लिया था इसलिए आपके नहीं ले रहा था, अब अपने इसको जैसे टेक्स्ट दिया है अब ये कोई प्रॉब्लम आपको नहीं कहेगा और ये ईमेल है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप ईमेल एड्रेस क्या डाल रहे हैं, मतलब उसमें जो आप आंसर है उसमें आप किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। नेक्स्ट किया, ये आपका पार्ट वन जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट आपके आ चुका है क्विज, क्विज में आपने लिखा हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपने जो भी मैंने सपोज क्लिक किया नंबर ग्रेटर देन 5, मैंने अपना करेक्ट आंसर क्या है 6 और 7, सपोज मैंने इसको लिया 7 और 2, चेकबॉक्स आप जब भी ले तो चेकबॉक्स से आपके मल्टीपल करेक्ट ले सकता है। इसको मैंने सबमिट किया, जैसे सबमिट किया यहाँ पे देखिए उसके बाद आपने मेरे पास यहाँ पे रेस्पॉन्स में दिख रहा है वन रेस्पॉन्स में, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया आप इसको चाहो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट में, या आप इसको ये जो है स्प्रेडशीट में आप डाउनलोड देख सकते हो। यहाँ पे आपने बोला जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट आ रहा है, इसको क्रिएट किया आपने तो आपके एक नई स्प्रेडशीट बन गई है गूगल शीट, उसमें आ रहा है रेस्पॉन्स आ रहा है केशव गुप्ता कितना स्कोर हुआ 2, नेम रवि, पूरा आपके यहाँ पे इसमें डिटेल आ रही है, आगे कितना है नंबर ग्रेटर देन 5 मैंने क्या ऑप्शन दे 2, 7 और 2, जबकि करेक्ट ऑप्शन क्या था 6 और 7। तो ये आपको पूरा स्प्रेडशीट में इस तरह से आ जाता है। इसको अपन फिलहाल आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपन अपने पेज पे लौटते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेकबॉक्स जो अपन बात कर रहे थे एक बार मैं फिर से ब्रीफ करना चाहूंगा आपको कि चेकबॉक्स में आपका अगर आप सिंपल वन करेक्ट ऑप्शन रखना चाहते हैं कि आपके जो ऑप्शन में से केवल एक ही करेक्ट रहेगा तो आपको सिंपल मल्टीपल चॉइस आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसमें मल्टीपल चॉइस, बट अगर आप ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट रेस्पॉन्ड करे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा चेकबॉक्स। चेकबॉक्स सेलेक्ट करते हैं आपके जब जो भी करेक्ट आंसर है केवल उन पर टिक करेगा स्टूडेंट तभी उसको मार्क्स अवार्ड होंगे। ऐसा होता है कि वो एक करेक्ट ऑप्शन टिक करता है एक गलत ऑप्शन टिक करता है तभी उसको अवार्ड नहीं होगा, वो मोर देन करेक्ट ऑप्शन टिक करता है तो भी अवार्ड नहीं होगा, वो कोई भी करेक्ट ऑप्शन छोड़ देता है तो भी उसको मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। मार्क्स अवार्ड की कंडीशन केवल तभी रहेगी जब स्टूडेंट ओनली एंड ओनली ऑल करेक्ट ऑप्शन को टिक करता है, जैसे वो एक भी रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करता है या एक भी करेक्ट ऑप्शन वो छोड़ देता है तो उसको मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे, ओके। उसके बाद अपन आके चलते हैं, अपन नया क्वेश्चन ऐड करते हैं, अपन ने मल्टीपल चॉइस देख लिया, अपन ने चेकबॉक्स देख लिया, अब अपन यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो चाहते हैं कि कोई वीडियो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, वीडियो के ऊपर क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने लिया वीडियो एड वीडियो, वीडियो में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे से सीधा, या फिर दूसरा ऑप्शन आप URL यहाँ से डाल सकते हैं। सपोज मैं YouTube पे सर्च करना चाहता हूँ कि डिसएबिलिटी, तो यहाँ पे आपके वीडियो आ रहे हैं कि कौन सा वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं। सपोज मैंने ये लिया डिसएबिलिटी टाइप, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो वीडियो यहाँ पे अपलोड आपका हो गया है। मीन्स अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, अब इसमें आप ये वीडियो कहाँ लेफ्ट में दिखाना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं,
सपोज मैंने इसको किया सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन आ गया है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपके पूछना चाहता हूँ, वीडियो को डम किया, आपने यहाँ पे चेक बॉक्स तक आप चले गए थे, उसके बाद आप यहाँ पे आप सपोज कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो आपने वीडियो लिया, वीडियो में आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या आप कोई वीडियो आपका जिसका लिंक आपके पास है, सपोज मैंने यही वीडियो यहाँ पे इसका लिंक कॉपी किया और ये लिंक मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया, तो ये वीडियो आपके पास है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ऑफिस से आप इसको कहाँ दिखाना चाहते हैं, इसका बीजी लेफ्ट में दिखाना चाहते हैं, राइट में, सेंटर में, मैंने इसको सेंटर में चेंज लिया। अगर आपके पास वीडियो आपको लग रही है सूटेबल नहीं है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इस वीडियो को आप क्विज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपने क्विज लिया, क्विज में मैंने लिया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टाइप्स कर लेता हूँ डिसेबिलिटीज डिस्कस इन द बिल्डिंग। ओके, आप इसमें ऑप्शन आपने डाला 21, ऑप्शन टू डाला आपने 20, ऑप्शन थ्री 13, ऑप्शन फोर 24। अब इसमें फिर से आप इसको आंसर की देना चाहते हैं, आंसर की आपने यहाँ पे सपोज दी, इसको आपने लिया 2 पॉइंट का, इसका करेक्ट ऑप्शन 21 आपने टिक किया, डन, इसको आपने रिक्वायर्ड में किया तो ये क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये आपने इस तरह से बनाया। अब इसमें आप वीडियो के अलावा जैसे कोई आप क्वेश्चन डालना चाहते हैं इमेज वाला, बहुत सारी जगह अपने इसमें गूगल फॉर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है कि हर तरह का फॉन्ट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप जब क्वेश्चंस बनाए तो हो सकता है कि कोई फॉन्ट आप जिसमें आप देना चाह रहे हैं क्वेश्चन वो फॉन्ट गूगल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इन दिस कंडीशन आप उसकी इमेज ले सकते हैं, इमेज लेकर आप उसको इमेज यहाँ पे से इंसर्ट इमेज में यहाँ पे देखिए आप अपलोड कर सकते हैं, आप कैमरे से कोई इमेज लेना चाहते हैं, आप उस इमेज का कोई URL लेना चाहते हैं, आप उसका फोटो लेना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से आप कोई इमेज लेना चाहते हैं आपके गूगल ड्राइव में या गूगल इमेज सर्च में से कोई इमेज आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है बाय URL, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया मेंटल एबिलिटी फिगर क्वेश्चन आपके आ रहा है, इसको मैंने सर्च किया, यहाँ पे मैंने इमेज में गया, इमेज में मैंने कोई भी क्वेश्चन सपोज आपका ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से इसको ये इमेज है इसकी इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पे ये बता रहा है कि फाइल आपके नहीं मिल रही है, दूसरी फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरी फाइल आपने यहाँ से यहाँ पर इसको यहाँ से URL आप ले सकते हैं या आप अपलोड कर सकते हैं कोई फाइल आपके पास है या आप गूगल ड्राइव में से ले सकते हैं, जैसे आपने आप अपलोड में ब्राउज किया तो कोई फाइल आपके पास है सपोज ये फाइल आपने अपलोड यहाँ पर करेंगे, ठीक है ये फाइल आपके यहाँ पे दिख रही है, जैसे यहाँ पे आपके पुराने सर जो लेक्चर दे रहे थे वो उनकी एक यहाँ पे इमेज यहाँ पे आपके पास आ गई है, इसी तरह आप कोई सी भी इमेज जो भी आपकी रिलेटेड हो इमेज ले सकते हैं, इमेज का टाइटल आपने गूगल फॉर्म्स या इमेज आप डाल सकते हैं, आप इस इमेज का जो है आपके इमेज आपने दिखाया ये इमेज दिख रही है। अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल
यहाँ पे कि आपका फॉर्म कैसा दिख रहा है अभी तक। ये आपका फॉर्म देखिए पार्ट वन, आपने दो सेक्शन किए थे। सेक्शन का सबसे बड़ा आपका फायदा बेनिफिट ये है कि आप जैसे इसको सेक्शंस करते हैं तो आपके उतने पेज, जैसे आपने टू सेक्शंस किए तो आपके पास टू पेज आएंगे। जैसे आपने फर्स्ट सेक्शन लिया जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। सेकंड सेक्शन आपने जैसे आप इसमें कुछ भी भरेंगे उसके बाद आप सेकंड पार्ट में ईमेल एड्रेस आपने लिया। फिर यहाँ पे जैसे आपने गलत डाला कुछ बता रहे कि ईमेल एड्रेस आपका वैलिड नहीं है। सेकंड आपका नेम आपने कुछ भी डाल दिया। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फाउंडेशन लगाया 10 डिजिट, आपको 10 डिजिट तक जाना ही पड़ेगा, उसके नीचे ये नहीं लेगा। ये आपने ईमेल आईडी आपने फिर भी कुछ भी @gmail.com आपने ले लिया। नेक्स्ट सेक्शन पे आप गए तो आपके यहाँ पे देखिए क्विज आपके पास आ रहा है। क्विज आपने लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। यहाँ पर मैंने फिर से मैंने आपको समझाया चेकबॉक्स एक बार फिर से देख लीजिए। चेकबॉक्स में मैंने आपसे ये कहा था कि चेकबॉक्स में केवल और केवल मार्क्स आपको तभी अवार्ड होंगे जब आप ओनली ऑल करेक्ट आंसर्स को टिक करें। जैसे आपने बोला नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5 कौन कौन है? 6 और 7। अगर मैं इनके साथ 4 और 2 में से किसी और को भी टिक कर देता तो मुझे मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। अगर मैं 6 और 7 में से किसी भी एक ऑप्शन को छोड़ देता हूं तो भी मुझे मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। मार्क्स अवार्ड केवल केवल कब होंगे? जब मैं ऑल करेक्ट ऑप्शन, या फिर आपने करेक्ट ऑप्शन आपने क्या बोला है 6 और 7, तो केवल जब आप इन पे टिक करो तो ही आपको मार्क्स अवार्ड होंगे। फिर इसके बाद आपके पास ये वीडियो आ गया। ये वीडियो मैंने चला के देखा, ये वीडियो आपका यहाँ पे। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानवर्धन पर, मैं हूँ कार्तिक। दोस्तों आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। चलिए दोस्तों कुछ बात करते हैं, कुछ खास कर इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे बोला कि ये कितने किस्से आप हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप डिस्कस। सपोज मैंने 20, देन ये गूगल फॉर्म आपने यहाँ पे एक इमेज डाली, इमेज डालने का आप यहाँ पे आपने इसको कर दिया सबमिट। ये आपका रेस्पॉन्स रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप मैंने देखा तो देखिए मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स में देखिए 2 रेस्पॉन्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। समरी यहाँ पे आप देख सकते हो, सब समरी आ रही है कि क्या क्या क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली मिस क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं और कौन कौन ने यहाँ पे जवाब दिया है, कौन कौन का आपके कितना कितना स्कोर, आपके पूरी समरी यहाँ पे एक तरीके से वो गूगल फॉर्म जैसे आप रेस्पॉन्स स्टूडेंट सबमिट करता है वैसे ही अपडेट होता रहता है। अपन इसको और एनालिसिस करना चाहते हैं। सपोज अपन इसमें चाहते हैं कि अपन ये इसको एक्सेल फाइल में या स्प्रेडशीट में अपने इसको लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ लिया। तो यहाँ पे जैसे 2 रेस्पॉन्स सबमिट हुए हैं उनका स्कोर बता रहा है कि उनके कितने पहले वाले के 2 मार्क्स हैं, सेकेंड के कितने 4 मार्क्स हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आपके पास आ रही है। आप यहाँ पे इसको और स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे इसकी और डिटेल पूरी जो भी आपके पास आ रही है, जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हो आपके पास यहाँ पूरा एनालिसिस आ रहा है। यहाँ पर इसमें मैं आपके पास एक फॉर्म मेरे पास पहले से रिकॉर्डेड है जिसमें मैंने थोड़े रेस्पॉन्स ले रखे हैं, उसको मैं स्प्रेडशीट पे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोगों को उसके स्प्रेडशीट पे कैसे आप वर्क कर सकते हैं वो समझा पाए। गूगल फॉर्म पे क्विज बनाने में कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो अभी डिस्कस कर सकता है। एनी डिस्कशन, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो अभी तक सर ने जितना बताया गूगल फॉर्म पे क्विज पे क्विज के संबंध में, चाहे वो टेक्स्ट के संबंध में हो, चाहे इमेज के संबंध में हो, चाहे वीडियो के संबंध में हो, चाहे वो चेक बॉक्स के संबंध में हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आगे चला जाए? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कोई प्रश्न नहीं है। ओके, ये तो आपने क्विज आपने जैसे अपने टाइम की कमी की वजह से मैंने 2-3 क्विज लिए हैं, बट मैं आपको आके डिस्कस की जो आपने जो भी क्विज बना रहे हैं उसके एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो उस पर अपन डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास एक टॉपिक और है जिसमें मुझे अटेंडेंस आप लोगों को समझाना है। तो यहाँ पे मैंने गूगल फॉर्म्स दिया सारे के सारे, आप जो आपका गूगल फॉर्म का होम है, जो भी आप फॉर्म बना रहे हो सारे के सारे वहाँ सेव हो रहे हैं। जैसे आपने वो फॉर्म बनाया तो जैसे आप अपने इसमें जाके ड्राइव में जाके देंगे तो आपको ड्राइव में भी मिल सकता है, या आप गूगल फॉर्म्स पे खोलेंगे और अपना साइन इन करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म बनाया वो सब आपके, जैसे मैंने अभी आपके सामने किस फॉर्म अभी बनाया पेज फॉर डिसेबिलिटी,
मेरी गूगल फॉर्म्स में मेरे पास एक क्वेश्चन सेव हो रहा है, इसमें जो भी रेस्पॉन्स आ रहे हैं सब मुझे यहाँ पे दिखते रहेंगे। ओके, वापस मैं ड्राइव पे जाता हूँ अपने। यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पे अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं एनरोल्ड है मेरी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए मैंने असाइनमेंट एक प्रिपेयर किया था मैथमेटिक्स का। ये गूगल फॉर्म्स की सबसे अच्छी यूटिलिटी है कि जो अभी COVID-19 में जितने भी जो बच्चों के जो अपन कंटिन्यूस जो अब इवेल्यूशन प्रोसेस अपना होता है वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आप गूगल फॉर्म्स की हेल्प से बच्चा घर घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से इनका रिस्पॉन्स कर सकता है। जैसे मैंने एक क्विज बनाया था, क्विज को मैं थोड़ा इन प्रेप में समझाना चाहता हूँ। मैंने इसमें नाम दिया इसका MSC MT 01 असाइनमेंट। इसमें मैंने दो सेक्शन दिए, पहला सेक्शन क्या था पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में मैंने क्या क्या लिया, बच्चे से ईमेल एड्रेस, हमारे यहाँ जो बच्चे का स्कॉलर नंबर है वो लिया, नेम, फादर नेम, एड्रेस, रीजनल सेंटर। तो उसके बाद सेकंड सेक्शन में जो आ रहा है उसमें मैंने उसके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का है, ये मैंने यहाँ पर उसके पास बच्चे के पास डाला है। इसमें आप देखेंगे, मैं इसमें जो दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे हर एक चीज मैंने आपको अभी बोला था कि हो सकता है कि जिस फॉन्ट पे आप काम कर रहे हो सकता है वो फॉन्ट गूगल फॉर्म पे सपोर्टेड नहीं हो, उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, आप उसकी इमेज बना बना के डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है इसमें ये जो नीचे आ रहा है ये एक इमेज, इमेज में पे अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो इमेज यहाँ से हट जाएगी, और भी आगे मैंने इसमें इमेज वगैरह डाली है। जैसे ये सब ये जो डाला है ये ऑप्शन, ये सब क्या है, इमेज है, ये सीधा सीधा गूगल फॉर्म सपोर्टेड नहीं था। मैथमेटिकल टाइपिंग जो गूगल फॉर्म पे बहुत ज्यादा सपोर्टेड नहीं, उनको मैंने इसमें इमेज बना बना के यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि इमेज आपके चल रही है, ये फॉर्म में इस फॉर्म्स के लिए मैंने रेस्पॉन्स लिए थे टेस्टिंग पर, अभी बच्चों के पास भेजा नहीं है इसलिए इस पर टेस्टिंग में मैंने 8-9 रेस्पॉन्स मैंने यहाँ पे अपने बच्चों से लिए थे। रेस्पॉन्स में आप देखिए आपको यहाँ पे कितना ज्यादा गूगल फॉर्म आपको एनालिटिक करके दे देता है। फिलहाल स्प्रेडशीट पर बात की जाएगी, पहले जो एनालिसिस करके दे रहा है वो देखते अपन। देखिए आप जैसा एनालिसिस पे जाते हैं, 9 रेस्पॉन्स, पहले सबसे पहले बताता है कितने रेस्पॉन्स आए यहाँ पे आपके, 9 रेस्पॉन्स। फिर समरी बता रहा है, समरी में ये बता रहा है कि आपके जो जिन्होंने भी आपके स्टूडेंट्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका एवरेज कितना आ रहा है। मिस मेरे 9 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है तो 9 स्टूडेंट के आउट ऑफ 20 कितना एवरेज आ रहा है, 5.22 मार्क्स। मीडियन, मीडियन आप अगर कई बार इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, मीडियन से सब अवेयर है, सब जने मीडियन जानते हैं। मीडियन में एक बार बोल देता हूँ, मीडियन जो होता है वो आपका मिडिल वैल्यू जो होती है, जो आपका डाटा उसकी मिडिल वैल्यू क्या कहलाती है, मीडियन। रेंज, रेंज ये बता रहा है कि बच्चों ने कहां से लेके कहां तक मार्क्स लिए हैं, तो ये बता रहा है कि बच्चों ने 2 से लेके 11 मार्क्स तक अवार्ड किए हैं, मींस कम से कम 2 मार्क्स बच्चों के पास आए और मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चों ने लिए हैं वो है 11। तो आगे अपन बात करते हैं, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट और पॉइंट स्कोर। 2 मार्क्स एक स्टूडेंट ने अवार्ड किए हैं, 2 और 4 के बीच में आ रहा है तो 3 मार्क्स आपके 3 स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किए। फिर उसके बाद आ रहा है 5 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किए, देखिए 5 के 1 पे आ रहा है, 6 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किए हैं, 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किए। आपका इस तरह से पूरा ग्राफिकल आपका रिप्रेजेंटेशन इसमें आ रहा है। फिर फ्रिक्वेंटली मिस क्वेश्चन, इसमें आपके बताया कि सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन कौन से बच्चों, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत किए। जैसे आपने क्या है कि क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 3 बच्चों ने इसमें करेक्ट रेस्पॉन्स दिए 9 में से, इसमें 2 स्टूडेंट ने आउट ऑफ 9 करेक्ट रेस्पॉन्स किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 स्टूडेंट ने 9 में से करेक्ट रेस्पॉन्स किया है, और इस तरह से आपके हर एक क्वेश्चन की आपके डिटेल आती जा रही है यहाँ पे कि कितने बच्चों ने कितने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके रेस्पॉन्स किए। स्कोर, स्कोर आ रहा है यहाँ पे कि ईमेल आईडी से आप स्कोर देख रहे हो, तो ईमेल आईडी से आपका देखो स्कोर देखेंगे, आर गुप्ता 2, ए कुमार 3, अकबर अली 3, ये जो भी आपकी ईमेल आईडी वो आ रहा है। स्कॉलर नंबर से आप देखेंगे, स्कॉलर नंबर का आपका ये पूरा डिटेल आ रहा है, नेम आपका आ रहा है,
और यहाँ पे आपके फादर नेम जो भी आपने एंट्रीज ली थी वो सारे की समरी यहाँ पे आपके पास आ रही है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चन वाइज देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन 1 of 25 स्कॉलर नंबर सबके जो भी आपके रिस्पॉन्स आए, पहला टोटल मेरे पास क्वेश्चन थे 25, तो पहला क्वेश्चन क्या था मेरे पास स्कॉलर नंबर, तो स्कॉलर नंबर में जो भी बच्चों ने रेस्पॉन्ड किया है उन सबका रेस्पॉन्ड यहाँ पे 9 स्टूडेंट का आपके पास आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया स्कॉलर नंबर बात मैंने लिया। दूसरा सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर वन में कौन कौन ने क्या क्या रेस्पॉन्स किया है, तो यहाँ पे आप देखिए रेस्पॉन्स आ रहा है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज रेस्पॉन्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आगे आप इंडिविजुअल देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का फॉर्म आपको यहाँ पे पूरा, आप जैसे आप इसको रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं कि बच्चे ने क्या ऑप्शन टिक किया, बच्चे के आप अगर फ्यूचर के लिए आप रखना चाहते हैं एक कॉपी, तो इसका आप डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। जितने भी बच्चों ने जितने भी रेस्पॉन्ड आपके टिक किए हैं और सारे रेस्पॉन्ड आपके पास यहाँ पे और करेक्ट और रॉन्ग ऑप्शन के साथ आप आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपका रेस्पॉन्ड बता रहा है, पहला रेस्पॉन्ड ये बता रहा है, ये बता रहा है आपका कि स्कॉलर नंबर जो भी आपने डाटा डाला उस स्कॉलर नंबर का क्या रिजल्ट रहा। मीन्स अगर आप कहीं कोई बच्चा रिजल्ट आपसे क्लेम करता है तो आप इसका प्रिंट आउट सीधा सीधा उसको दे सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बच्चे ने जो इसने आंसर किया वो करेक्ट है, ठीक आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। देखिए आप इसमें मार्क्स उसको 1 out of 1 अवार्ड हुए। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे ने किया है वो करेक्ट है, उसमें आपको 1 out of 1 अवार्ड है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे जो उसने रॉन्ग आंसर दिया है तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है, इसमें आपके 0 out of 1 और करेक्ट आंसर साथ में। ऐसा नहीं कि आप केवल रॉन्ग बता रहे, बच्चे को करेक्ट आंसर भी डिस्प्ले कर रहा है कि करेक्ट आंसर क्या था, ये था 0m सेकंड, आपने ये वाला किया इसलिए आपके ये गलत है और करेक्ट आंसर ये है। फोर्थ आपने जो क्वेश्चन लिया, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास जो आ रहा है उसमें भी आपने बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया तो ये रेड आ रहा है कि आपने ये ऑप्शन आपने गलत टिक किया, करेक्ट आंसर ये है। इस तरह से बच्चे को पूरा फीडबैक आप दे सकते हैं। जैसे आप असाइनमेंट देते हैं, ओपन एजुकेशन सिस्टम में असाइनमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। आप बच्चे को आप देना चाहते हैं, आपके भी बच्चे जो भी आप बच्चों को डिस्कस जैसे समझाना चाहते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो सारी चीजें प्रिंट आउट के साथ बच्चे को आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं वापस से कि अपन इसका रिजल्ट रिजल्ट पे क्या क्या एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो मैं वापस से जा रहा हूँ समरी पर। समरी पर आप देख सकते हैं, आप अगर आप गूगल स्प्रेडशीट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने लिया व्यू रेस्पॉन्सेस, तो यहाँ पे जैसे आपने सीट पे लिया तो ये आपके पास ये सीट आपके पास खुल गई। मैंने इसको पहले क्रिएट कर रखा है इसलिए सीट खुल गई, तो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। इस सीट पे आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है कि पहले स्टूडेंट ने कब, ये टाइम के साथ आ रहा है कि कितनी तारीख को कितनी बजे बच्चे ने इसको रेस्पॉन्ड किया। स्कॉलर नंबर क्या है उसका, स्कोर आ रहा है यहाँ पे उसका, स्कॉलर नंबर नेम और भी जो डिटेल आप लेना चाहते हैं वो सारी डिटेल बच्चे के आपके पास आ रही है। आप आके देखेंगे कि रीजनल सेंटर हर एक क्वेश्चन का आपके पास आ रहा है कि हर एक क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का उसने क्या आंसर किया, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर किया, पूरी एक डिटेल शीट आपके पास आ रही है। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो, जी 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 जी, यस ओके। तो ये आपके पास आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको गोल शीट में आप एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड रेस्पॉन्ड इस पर आप कीजिए। जैसे आप इस पर करोगे तो डाउनलोड रेस्पॉन्ड आपके पास एक एक्सेल ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल को आप जैसे ओपन करेंगे, जिप फाइल में आपके पास यहाँ पर असाइनमेंट्स ये आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस ये आपकी एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें अपन में बात करना चाह रहे हैं जो ये कि अपन इस डाटा को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप लेट जैसे सपोज आपके पास 5 papers हैं, 5 papers है तो हर एक पेपर के लिए आपको अलग अलग एक गूगल फॉर्म्स बनाना पड़ेगा, हर एक पेपर के आपके अलग अलग रिस्पॉन्ड आएंगे, तो आप उससे एक रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं ऑनलाइन ही। तो ऑनलाइन रिजल्ट आप अगर तैयार करना चाहते हैं
पे आप चाहिए, जैसे ये रीड ओनली कॉपी है, यहाँ पे फाइल में मैंने फाइल में लिया, न्यू फाइल मैंने ओपन करी, न्यू फाइल में ओपन करी तो आप देखिए आप यहाँ पर दो बॉक्स मेरे पास खुली हुई है, यहां से मैंने बच्चों का स्कोर जो लिया है कि वो स्कोर में बच्चों का यहां से बच्चों का जो भी स्कोर मैंने यहाँ पे आपका ले लिया, यहां से ये डॉटर स्कोर ये आ रहा है, सपोज आपका 2, 3, 3, 3, 3, 7 ये स्कोर मैंने यहाँ पे आपका सपोज इसमें नई सीट में एंटर किया। यहाँ पे मैं ले रहा हूं पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, सपोज थ्री पेपर्स का आपको इनका रिजल्ट बनाना है, आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने मान लिया 5 तो मान आउट ऑफ 20 में इसमें अवार्ड लिख रहा हूँ, रेंडमली लिख रहा हूँ, जैसे 12, 13, 14, 8, 5 और 19 पहले पेपर में आए आपके पेपर टू में, पेपर टू में आपने लिए सपोज आपके पास आ रहे 11, 15, 6 यहाँ पे आपने लिए 9, 15 पेपर थ्री में आपके अवार्ड जो आपने लिए 16, 18, 9, 10 18 आपके पास सपोज आपने 3 पेपर्स के गूगल फॉर्म्स बनाए उनके आपके जो अवार्ड आपके पास है, अब आप इनसे कम्युलेटिव रिजल्ट आप उनका प्रिपेयर करना चाहते हैं कि उनका के जो परसेंटेज डिवीजन निकालना चाहते हैं कि कितनी परसेंटेज क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सीधा एक्सेल शीट को यूटिलाइज करते हुए या स्प्रेडशीट सेम फॉर्मूला आपको स्प्रेडशीट जो गूगल के उसमें भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने लिया फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे आपने यहाँ सपोज लिया टोटल, टोटल के लिए आप ये चाहते हैं कि सबका टोटल आपको मिल जाए, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेल में जब भी आप कोई भी फॉर्मूला ये जैसा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं जो सब पे एक बार आप लिखेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना पड़ता है इक्वल, इक्वल में आपने लिया कि क्या फॉर्मूला चाहते हैं सबका टोटल, तो आपने लिया दीजिए इसको सिलेक्ट किया ए टू या प्लस शिफ्ट के साथ या फिर प्लस किसका वी टू फिर प्लस फिर सॉरी सी टू फिर एंटर दबा दिया, तो आप देखेंगे आप इन तीनों का सब इसने बता दिया है। अब आपको केवल क्या करना है इसको यहाँ से ड्रैग करना है जितने भी आप चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके पेपर्स में जितने भी स्टूडेंट्स ये मैंने 5 का एग्जांपल लिया, आप इसमें जितने भी आप सीट है जिसमें 2 बिलियन तक आप जा सकते हैं, नया जो एक्सेल सिस्टम है स्प्रेड सीट में 2 बिलियन स्टूडेंट का आप रिजल्ट एट ए टाइम तैयार कर सकते हैं, ये आपका टोटल रिजल्ट आ गया है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इनकी परसेंटेज क्या है, तो इसमें आप देखें कि आपके सब 20, 20, 20 का है तो टोटल कितने में 16 मार्क्स हुए, तो आप आपका परसेंटेज निकालना चाहते हैं यहाँ पे मैंने फिर से लिखा इक्वल। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज को होता है टोटल रिसीव मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्ड मार्क्स सॉरी, तो टोटल रिसीव बच्चे के यहाँ पे आ रहे टोटल रिसीव ये D2 मल्टीप्लाई के लिए आपको यहाँ पे आपके कंप्यूटर में यहाँ पे दबाना पड़ेगा स्टार 100 डिवाइड के लिए आपको जाएगा स्लैश कितने मार्क्स का पेपर था 60 आपने प्रेस किया, तो ये आपको बता रहे हैं कि देखिए स्टूडेंट वन की जो फाइनल परसेंटेज है वो कितनी 65 सबको क्लियर ही है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल मार्क्स रिसीव मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल
मार्क्स, तो आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स, जैसे आपने ये वाला कॉलम बताया टोटल मार्क्स, तो आपने लिया डी टू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने थे 60। अब आपने इसको यहाँ से पकड़ के आपने इसको डायरेक्ट किया तो आपको सारे स्टूडेंट की परसेंटेज मिल गई है, ये आपकी पूरी परसेंटेज आपको मिल गई। अब इसमें और भी थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं कि जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चा पेपर वन में अवॉर्ड कर रहा है, जितने मार्क्स अवॉर्ड कर रहा है, वो पेपर टू का उससे क्या रिलेशन है, मतलब पेपर वन में अच्छा कोई बच्चा परफॉर्मेंस है उसका पेपर टू की परफॉर्मेंस से क्या रिलेशन है या अनदर पेपर की परफॉर्मेंस से क्या रिलेशन है, तो इसके लिए आप इसका एक्सेल से कैलकुलेट कर सकते हो, उसके आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, ये किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप का मेजरमेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है माइनस वन से वन के बीच में होती है, माइनस वन से जीरो के बीच में अगर कोरिलेशन की वैल्यू आपके पास आ रही है तो ये बताता है कि ये नेगेटिव रिलेटेड है। मीन्स अगर एक तरफ आप एक पेपर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे पेपर में वो उसकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी, या एक पेपर में उसकी परफॉर्मेंस डाउन है तो दूसरे पेपर में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इसकी कोरिलेशन की वैल्यू जीरो से वन के बीच में आती है तो वो ये बताता है कि ये दोनों कोरिलेटेड, मतलब एक पेपर में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उम्मीद है दूसरे पेपर में भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और जितना आती है, जैसे माइनस वन की जितना ज्यादा उतना नेगेटिव बताता है, जितना वन के क्लोज होती है उतना स्ट्रांगली कोरिलेटेड होता है। तो अपन यहाँ पे जैसे आपने इसमें लिखा कोरिलेशन, अब यहाँ पे आप गए फॉर्मूला में, आप फॉर्मूला में आपने यहाँ पे लिया मैक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हो, या आप स्टैटिस्टिकल में दे सकते हो, स्मॉल फंक्शन में गए, मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला कोरिलेशन का मैक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ पे यहाँ पे नहीं, आपको तो स्टैटिकल में आपको यहाँ पे इसमें जाना पड़ेगा। और ये आपका देखो स्टैटिकल में आपको लिखा रहा है कोरिलेशन, ये आपने सेलेक्ट किया कोरिलेशन। दो आपके जो होते हैं कॉलम उनका निकलता है, तो एरे वन में आपने सेलेक्ट किया यहाँ से लेके ये पूरा ए टू से ए सिक्स, एरे टू पे आपने क्लिक किया, एरे टू में आपने सेलेक्ट किया बी टू से बेसिक्स। तो आप जैसे ओके करेंगे ये आपका आ रहा है कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0.8339, मीन्स वन के पॉजिटिव, वन के बहुत ज्यादा ये क्लोज है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर बच्चा पेपर वन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पेपर टू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर पेपर वन में उसकी परफॉर्मेंस कमजोर है तो पेपर टू में भी उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट आएगा। इसी तरह आप अगर ये कोरिलेशन पेपर टू और पेपर थ्री के बीच में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिर से आप यहाँ पे देखिए इक्वल में यहाँ पे आप स्टैटिकल में गए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कोरिलेशन, जैसे कोरिलेशन यहाँ पे आपने लिया पेपर टू और पेपर थ्री के बीच में तो पेपर टू का एरे लिया, यहाँ पे आपने लिया पेपर थ्री का एरे, और जैसे आपने ओके किया तो यहाँ पे देखिए अब ये आ रही है। इसी तरह पेपर वन और पेपर थ्री के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैंने फिर से यहाँ पे लिया स्टैटिस्टिकल, यहाँ पे लिया कोरिलेशन, यहाँ पे लिया एरे वन में पेपर वन और एरे टू में लिया पेपर थ्री। जैसे आपने देखिए यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा लेते हैं कैलकुलेट नहीं करेगा, अगर मैंने यहाँ पे देखिए एक वैल्यू मैंने ज्यादा ले रखी है, अब जैसे मैं ओके बताऊंगा ये क्या बता रहा है नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपने फॉर्मूले में एरर की है। फिर से इस बात को देखिए कि आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपने जो लिया है यहाँ पे तो आपने लिए फाइव कॉलम, यहाँ आपने कितने फाइव रो लिए, यहाँ पे कितने रो लिए आपने सिक्स रो। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट करो तो एक कॉलम में जितनी एंट्रीज है दूसरे कॉलम में भी उतनी एंट्रीज लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ, सी सेवन की जगह मैंने यहाँ पे इसको रेक्टिफाई किया सी सिक्स, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए कोरिलेशन कैलकुलेट किया। एनी डाउट किसी को, तो आप यहाँ पे देखिए तीनों पेपरों में पेपर वन टू पेपर टू थ्री और पेपर थ्री वन में आपके पास कोरिलेशन आ गया है।
तो अब मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको कोरिलेशन के लिए एक बार फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जितना ज्यादा कोरिलेशन की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव में, उतना ज्यादा एक दूसरे एक पेपर में परफॉर्मेंस में अच्छी होना दूसरे पेपर को इम्पेक्ट करेगा। तो आप बताइए कि कौन से दो पेपर में सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक साथ हो सकते है ये इन डाटा को देखते हुए। प्लीज आंसर, एवरी वन आंसर प्लीज। ये डाटा आपके सामने स्क्रीन पर है, इस स्क्रीन पर आपने तीनों, ये पहला जो बता रहा है, पहला वाला बता रहा है पेपर वन टू, सेकंड जो एच कॉलम में बता रहा है पेपर टू थ्री, और थर्ड जो कॉलम आपका बता रहा है पेपर वन थ्री। अब इसमें इन तीनों में आपके कोरिलेशन मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको ये बताना है कि कौन से दो पेपर आपस में सबसे ज्यादा कोरिलेटेड, मतलब अगर एक इन पेपरों में एक में अच्छा परफॉर्म करता है तो दूसरे में भी अच्छा परफॉर्म होगा। टू थ्री सर, टू थ्री, यस। एनी वन अदर, एनी अदर प्लीज आंसर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ये तो आप अभी बोल सकते हैं, इसको दोबारा समझ सकते हैं। टू थ्री, यस। तो देखिए आप सब देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा आपका कोरिलेशन या आपका जितना ज्यादा इसकी वैल्यू वन के क्लोज आएगी उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गली ये कोरिलेट होंगे। ये मैंने एक सिंपल से फंक्शन, आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके, आप देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल में गए, नॉर्मली आपके मैथमेटिकल तो ज्यादा काम नहीं आते, स्टैटिस्टिकल में अपन कुछ जल्दी से रिव्यू करते हैं। एवरेज ये क्या बताता है, एवरेज बताता है आपको, नंबर्स क्या लेना है एवरेज बताता है। सवाल पूछ सकता हूँ सर, छोटा सा? बोलिए। स्पीयरमैन और पियर्सन कोरिलेशन अगर दोनों क्या एक ही से निकलेगा या कुछ अलग अलग भी कर सकते हैं? उसमें जो आपका आता है कोरिलेशन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो रीजन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये आपका बताता है पियर्सन वाला, इस पर मैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आपका होता है जी, वो आप उसके लिए आपको मैथमेटिकल में जाना पड़ेगा। मैथमेटिकल में आपके इसमें इसमें है कि नहीं, क्योंकि इसमें स्पेयरमैन शायद इसमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें आपका स्पेयरमैन है वो स्टैंडर्डाइज जो है वो प्रोडक्ट मोमेंट को ही माना जाता है, पियर्सन को ही माना जाता है। हां, पियर्सन स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज, बाकी इसमें जो पुराना इसमें इसमें स्पेयरमैन आपका नहीं है, इसमें आपका जो कोरिलेशन निकलेगा रैंक वाला, वो सॉरी सिंपल पियर्सन वाले आपका कैलकुलेट होगा कोएफिशिएंट। हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके अलावा आप इसमें जैसे रिजल्ट आपका एनालिसिस परसेंटेज आपके पास हो गई है, आप इसमें एवरेज भी निकाल सकते हैं कि एवरेज मार्क्स बच्चे के कितना है। ये तो खैर वो गूगल फॉर्म्स अपने आप में बहुत अच्छा टूल है, बहुत सारी चीजें वो बता देता है, फिर भी आप एक्सेल में भी बहुत सारी चीजें, आप थोड़ा सा डाटा एंटर करके आप इसको मैनुअली बहुत ज्यादा, जैसे आप सपोज दो आपके पास बहुत बड़े बड़े कॉलम्स हैं, या अपन इनका ले रहे थे कि आपको इसमें देखना है ये दो कॉलम से आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे मैंने लिया कि ये दो कॉलम्स आपके पास है, इनका डाटा मुझे मैच करना है, पेपर वन और पेपर टू का डाटा मुझे मैच करना है कि ये क्या है सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल में यहाँ पे ये लॉजिकल लिया, लॉजिकल में लिया इफ, इफ लिया तो लॉजिकल टेस्ट मैंने क्या डाला, ये कॉलम एंड ये कॉलम ए टू और बी टू इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो वैल्यू, अगर सही है तो मैंने वैल्यू डाल दी सपोज जीरो, और ये इक्वल नहीं है तो वैल्यू मैंने डाल दी वन। जैसे ही क्लिक किया तो देखो ये वन, ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों डाटा इक्वल नहीं है। तो अब इसको मैं वापस से ड्रैग करूं, तो ड्रैग करूंगे तो आपके देखिए सब में किसी भी दो कॉलम में डाटा इक्वल नहीं है। अगर मैं इस डाटा को यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, इसको मैंने किया नाइन, तो आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली सारी चीजें, सबसे अच्छी एक्सेल की बात है कि आप किसी भी डाटा में चेंज करते हैं तो आपको आगे चेंज करने के जितने उसके ऑटोमेटिकली, जैसे मैं फिर से करके देखिए आप फाइव तक यहाँ पे कितना परसेंटेज कितना रहती 40, कोरिलेशन भी आपके आप देख लीजिए पेपर वन और टू का। अभी जैसे मैंने इसको फाइव की जगह मैंने डाटा चेंज किया यहाँ पे, तो देखिए कोरिलेशन भी चेंज हुआ है, परसेंटेज भी चेंज हुई। यहाँ पे देखिए आप क्या आ गया, ये दोनों डाटा इक्वल होता है, इसने क्या बता दिया है जीरो बता दिया है। इसके अलावा आप इनका ऑटो सम होता है, रिसेंटली फाइनेंशियल जो आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन बहुत सारी है, लॉजिकल कैलकुलेशन आपने जैसे आपने लिया कि लंबा डाटा, ये तो बहुत सिंपल डाटा है, इसमें मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, पर जो आपका बहुत लंबा चौड़ा डाटा जो आपको चेक करना हो कि दो जो आपके दो कॉलम है या दो रो ये इक्वल है कि नहीं, तो आप लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स है, इफ एरर, इफ ये इसमें बहुत सारे, और स्विच ट्रू, ये जो आपके होते हैं
साइंटिफिक एथोलॉजिकल है, वो सब आप यहाँ पे आते हैं। इसके बाद अपन जो बात करना चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, चूंकि टाइम को देखते हुए एक्सेल को आप ट्राई कीजिए, एक्सेल में बहुत कुछ आपको सेल्फ सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एक्सेल में आप जैसे कोई भी फंक्शन आप लेते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन को क्लिक किया, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाता है चेकबॉक्स में। एंड में क्या लिखा है, चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू, मतलब ये फंक्शन आपका क्या काम कर रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन आपके आ जाता है। अगर आप नेट कनेक्ट आपके पास हो रहा है तो आप यहाँ पे टेल मी मोर आपके जैसे ही करेंगे, तो जैसे आप टेल मी मोर करेंगे तो सीधा आपको इसके बारे में और डिटेल्स आपको ये फंक्शन नेट कनेक्ट करके आपको ये बता देगा। फिलहाल इस पे अपन नहीं जाके, अपन ये जैसे आपके पास आ गया है एक्सेल फंक्शन, ये पूरा आ रहा है यहाँ पर, ये आपको बता सकता है। फिलहाल अपन अपने वापस से अपनी गूगल मीट पे अपने इस पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक पार्ट, सबसे बड़ी पार्ट ये आता है कि जैसे अपने बोला गया था कि अपने जैसे वेबिनार चल रहा है, अब मुझे इन सबकी जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे इन सबकी अटेंडेंस लेनी है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, कौन कौन प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप चाहिए यहाँ पे गूगल में आप टाइप कीजिए मीट अटेंडेंस, जैसे आप मीट अटेंडेंस टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके गूगल मीट का ये क्रोम मीट अटेंडेंस से आपने लिया, ठीक है। मीट अटेंडेंस पे जैसे आप इस पे ये मैंने इसमें आप इसमें अपने इसमें क्रोम में, मैं अब इसको रिमूव करके बता देता हूँ, रिमूव मैंने यहां से किया, ये रिमूव कर दिया। जैसे मीट अटेंडेंस करेंगे तो आपके पास यह आएगा एड टू क्रोम, यहां में मैंने एड टू क्रोम किया है, तो ये एड एक्सटेंशन किया, यहां पे मेरे पास गूगल मीट यहां पे देखिए आप यहां पे दिख रहा है मीट अटेंडेंस, ये आपके पास ये यहां पे हो गया है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसके लिए आपको गूगल मीट में ये मीट अटेंडेंस आपने यहां पे क्रोम एक्सटेंशन में ले लिया है। अब आप यहां पे वापस अपने गूगल मीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मीट अटेंडेंस में आप जैसे यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसको अपने बुकमार्क पे किया है, उसके बाद आप जैसे अपने गूगल मीट पे अपने आएंगे, गूगल मीट पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ये रेड आ रहा है, वो रिमूव करके वापस से ऐड किया है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं वो शायद अटेंडेंस बता नहीं पा रहा है अभी। ओके, तो ये आपके पास हो गया। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माई टॉपिक्स, जैसे क्विज में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई सबसे बड़ा आपको दो चार बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि क्विज आप बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक फॉन्ट गूगल पे फॉर्म पे सपोर्टेड हो। अगर कोई फॉन्ट जैसे हिंदी में, जैसे आप कोई या संस्कृत में या मैथमेटिकल कोई टाइपिंग का आप कोई फॉन्ट आप डालते हैं वो नहीं लेता है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप उसकी इमेज बनाकर उसको इमेज में मर्ज कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें जो आप देख सकते हैं कि आप इसमें मल्टीपल चॉइस मेनली सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि गूगल फॉर्म्स का सबसे अच्छा जो यूटिलाइजेशन है। आप इसको मैनुअल रिव्यू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, आपको जैसे आप बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि वो आंसर लिखे करे तो उसका आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता है कि उसका आपको मैनुअली वर्क करना पड़ जाएगा, फिर गूगल फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो गूगल फॉर्म आपका जो अभी आज की तारीख में जो गूगल फॉर्म्स के पास जो अपडेट्स हैं वो सबसे बेस्ट है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए। एमसीक्यू में आप इसमें दो टाइप की क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जिसमें आप आउट ऑफ चॉइसेस वन ओनली वन इज करेक्ट और आउट ऑफ चॉइसेस मोर देन वन इज करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ओनली वन इज करेक्ट है तो आपको सिंपल मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना है, अगर आप मोर देन वन करेक्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के लिए आपको सबके माइंड में क्लियर है कि ये केवल तभी मार्क्स अवार्ड होंगे जब ओनली आप ऑल करेक्ट आंसर्स पे टिक करेंगे। जैसे आपने कोई रॉन्ग आंसर आपने टिक किया वैसे आपके मार्क्स जीरो हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें रेस्पॉन्स पूरे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका रिजल्ट आप आता आप इसमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं जो अपन ने भी ब्लॉक किए, इसलिए आता है भाई आप स्टूडेंट को, स्टूडेंट जैसे इसका फॉर्म भरेगा वो उसके एक कॉपी रख सकता है, उसको आता आप करेक्ट आंसर मिल सकता है, उसको आता उसका रिजल्ट मिल सकता है। अपन उनको चीज़ों को अपन ने अपने हाथ में इसको कैसे करना, आप सेटिंग में जाके इस फॉर्म्स की उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने रेस्पॉन्ड रिसिप्ट
तो आपने लिए ऑलवेज, तो जैसे कोई इसको फॉर्म को भरेगा तो उसके पास उसकी मेल आईडी पर उसकी रिसिप्ट पहुंच जाएगी, बट अगर आप चाहते हैं कि हर एक को नहीं पहुंचे तो अगर वो इस पे टिक करता है कि मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए तो इसको मिलेगी। प्रेजेंटेशन में आपको ये आ जाएगा, प्रेजेंटेशन में आपका 100 लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, या अगर आप चाहते हैं कि एक आदमी केवल एक ही बार रेस्पॉन्स करे, जैसे आप चाहते हैं कि एक बच्चा केवल एक बार ही रेस्पॉन्ड करे, तो इसको आप जैसे आप टिक हटाएंगे तो बच्चा दोबारा कोशिश करे उसमें अलाइन से तो भी नहीं हो पाएगा। क्विज में आप अगर जाना चाहते हैं, क्विज में आप जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे देखिए कि मार्क्स अगर बच्चे का आप अपने यहाँ पे टिक नहीं किया था कि आप इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन अगर आप जैसे इस पर टिक करते हैं और सेव करते हैं तो जैसे आप बच्चा रिस्पॉन्स सबमिट करेगा उसको उसका स्कोर आता है तो बता दिया जाएगा। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना चाहते हैं तो जैसे बच्चा उसको सबमिट करेगा उसके बाद उसको बता दिया जाएगा कि आपका आपने ये आंसर टिक किया और करेक्ट आंसर ये है। पॉइंट वैल्यू आप बताना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन में बच्चे को आप उसकी पॉइंट वैल्यू बता सकते हैं, एज यू नीड आप उसको डिजाइन कर सकते हैं और एनी टाइम आप इस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, राजेश सर आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सबको दी कि यदि हमको इवोल्यूशन प्रोसेस हमको वेबिनार में करना है तो किस प्रकार से हम आसानी से इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा आपने बताया कि यदि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है तो इसका इवोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज कैसे इमिडिएटली चेक कर सकते हैं, चाहे बात शॉर्ट आंसर के बारे में करें कि उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। फाइल अपलोड के बारे में सर आपने बताया कि यदि कोई वीडियो फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या कोई ऑडियो फाइल है या और कोई इमेज के रूप में कोई फाइल है तो आप किस प्रकार से उसको अपलोड कर सकते हैं आसानी से और कैसे उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बारीकियों से हमको बताया कि किस प्रकार से हम इवेल्यूएशन प्रोसेस को अपना करके हमारा ये जो वेबिनार है इसको कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार की अगली कड़ी के रूप में मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी को कि वो आए और अपनी बातें जो है हम सबके सामने रखें। डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, थैंक यू सुनील जी। जी थैंक यू डॉक्टर पंकज जी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज और थैंक यू रवि जी आल्सो। अभी मैं सुन रहा था तो काफी इंफॉर्मेशन जो एक्सेल शीट वगैरह की काफी अपडेट हुई हमारी, तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आज आपसे भी मिली है रवि जी से, और बल्कि बात में तो जो है आप से हमें निवेदन करना ही पड़ा कि भाई सब आप पूरा कर लेंगे तो हमारे लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। तो रवि जी को व्यक्तिगत रूप से भी हम जानते हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं आप, काफी कुछ इसमें व्यक्तिगत रूप से भी हम आपसे सीखते रहते हैं जब भी मुलाकात होती है बातचीत होती है। थैंक यू टू डॉक्टर अखिलेश जी ऑल्सो। और अब समय कम है इसलिए सीधे टॉपिक पे हम आते हैं। मीन अटेंडेंस की बात से शुरू कर लेते हैं हम, वो जहाँ की इंस्टॉल अनइंस्टॉल में बात हो गई थी। तो स्क्रीन शेयर सबसे पहले हम करते हैं, फिर से हम जाते हैं एक बार कि सबसे पहले यहाँ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। शो एवरीवन जो टॉप में था, शो एवरीवन, अगर इसको थोड़ा सा, कुछ लोग मोबाइल से हैं इसलिए हम थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं जिससे अगर मोबाइल वालों को भी आसानी से दिख रहा होगा। और यहाँ 36 इस समय है। शो एवरीवन पे जैसे ही हमने ये क्लिक किया तो यहाँ पर ये अटेंडेंस शीट पूरी आ रही है। अटेंडेंस शीट में मेरी अटेंडेंस शीट का ये एक्सेल शीट आ रहा है, इसमें पहले के भी है, पहले की इसलिए क्योंकि आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देने के पहले हमने इसको चेक किया था। तो इस समय देखिए, अगर आप देख स्क्रीन दिखाई दे रही होगी तो आज 8 तारीख को 2:43 पे 2:43 पर इस वक्त ये 10 नंबर सीरियल नंबर पे आ रहा है नंबर। तो शुरू की दो डीट पहले में तो डेट और टाइम है जिस वक्त अटेंडेंस ली गई, और दूसरी शीट पे URL आ रहा है दूसरे नंबर पे, और बाकी थर्ड पॉइंट से अटेंडेंस है लोगों की। मेरा खुद का भी नाम सबसे टॉप पे आ रहा है इसमें 10 पॉइंट, यानी कि टोटल 8 लोग उस वक्त मौजूद थे। फिर नेक्स्ट हमने अटेंडेंस ली है अभी इसी मीटिंग की,
केवल क्योंकि बीच में क्लिक करना था अटेंडेंस आ गई 244 पे। इसके बाद ये अटेंडेंस जो है एस शीट पे है, ये 3 o'clock 3:08 की है और इस वक्त हमारे जो पार्टिसिपेंट थे इस वक्त सेलेक्टेड है ये, तो 35 - 2 यानी कि ये थे 33। यहां पर पार्टिसिपेंट 47 थे, 49 है तो 47 हो गए और ये 346 क्योंकि नेटवर्क के कारण लोग जुड़ते रहते हैं। अभी भी हमने 416 पर अभी जैसे ही हम जुड़े थे और अपनी बात हमने कहनी शुरू की थी तो ये देखिए टॉप में जो आ रहा है अटेंडेंस, डेट आ रही है और टाइम 416:10 और इस वक्त जो है हमारी अटेंडेंस थी 39 पर्सन की, मिस्टर राजन यादव और मिस्टर अरुण कुमार वगैरह सारे नाम पूरे आ रहे हैं और पहले नंबर पे चूंकि हमने लिया था तो इसलिए वो मेरी अटेंडेंस शीट आ रही है। तो ये तो हो गई मीट अटेंडेंस वाली बात और अब ये क्लिक करते ही वो एक्सेल शीट आ जाती है अटेंडेंस लेने के लिए हमारी और इसी तरह से अटेंडेंस। तो इसका मतलब हम अलग अलग समय पर एनालिसिस कर सकते हैं कि किस समय पर कितने अटेंडेंस थी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको केवल एक क्लिक ही करना है और कोई काम नहीं है, केवल क्लिक करना है तो बड़े आराम से डेट वाइज भी और ये भी हो जाएगी। अब हम वापस, मेरा ख्याल है क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया था तो इंस्टॉल कैसे, एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन तो आप आराम से कर ले, कैसे करेंगे वो पहले ही बता दिया है सर ने। अब हम आ जाते हैं अपने आज की टॉपिक पे, एक्सेल सीट को बंद कर रहे हैं। ये एक्सेल सीट आपकी ड्राइव में सेव हो गई, ये डॉक्टर साहब ने ड्राइव खोल करके दिखाई थी, एक्सेल सीट दिखाया था रवि जी ने, तो वहां पर ये हमें मिलेगी खोलने पर। तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं, एक्चुअली अब हम बात करेंगे टेस्ट मोज की, टेस्ट क्विज और टेस्ट के लिए जो पार्ट था तो गूगल का क्विज के रूप में कैसे उपयोग करें बहुत अच्छा रवि जी ने बताया। टेस्ट मोज ये बड़ा आसान है, टेस्ट लेना है आपको और मोमोज की तरह ही है, खाने में भी आसान और बनाने में भी आसान। इसके लिए ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम चैट बॉक्स में एक लिंक आपको डाल रहे हैं और केवल 2 से 3 मिनट लगता है इसको टेस्ट को लेने में, यानी कि 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये रिस्पॉन्स आप दे देंगे और ये COVID-19 से रिलेटेड है। इसमें कुछ अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए हमने बनाया था, हमने लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही आप इसको खोलेंगे और इसमें पासवर्ड आप डालेंगे 12346 उसमें आएगा, पासवर्ड पूछेगा लिंक खोलने पे, तो पासवर्ड आप डाल दीजिएगा 12345 वो भी हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप लिंक को क्लिक करिए और इसको अटेम्प्ट करिए, केवल 2-3 मिनट का समय लगेगा। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि ये कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग है, बच्चों को कितना आनंद आएगा, स्टूडेंट्स को आपके, ये समझाने के लिए ये हम आपको दे रहे हैं। हम भी अपनी स्क्रीन पे एज एडमिन लॉगिन करते हैं और आपके रेस्पॉन्सेस की चर्चा फिर हम करेंगे। ये आप में से अभी शायद किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, लिंक जो है वो क्लिक करके खोलने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? केवल 2-3 मिनट का समय लगता है, COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर आपकी आवाज आ रही है, हो सकता है मैं भी नेटवर्क का इशू हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, 1-2 मिनट और देख लेते हैं। हाँ 2-3 मिनट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे चैट बॉक्स में सबसे नीचे लिंक आ रही है डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी के नाम से, अटेम्प्टिंग लिखा है, अटेम्प्टिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब दे आर अटेम्प्टिंग। जी जी पासवर्ड क्या है?
1, 2, 3, 4, 5, 6 है मोबाइल पे, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आ रही हो, तो ऐसा करते हैं जो लोग नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो मेरी स्क्रीन पे देखें, हम एज ए स्टूडेंट इसको जरा सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो स्क्रीन पे भी हमारे देख सकते हैं एज ए स्टूडेंट। सर आंसर सही है गलत है ये नहीं सोच के भरा बस भर दिया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, यही इसीलिए जो है कि यही कहा, क्योंकि आंसर इशू नहीं है, इशू जो है क्या चीज कैसे समझेंगे, अपना नाम हम ABC इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि टॉप में अपीयर हो जाए। और अब हम स्टार्ट, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से टेक्निकल इशू की वजह से, तो वो देखें एज ए स्टूडेंट, हम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन हम जो है बड़ा कर लेते हैं तो और क्लियर होगा। अब मेरी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आया, ये कुछ भी हम कर दे रहे हैं, सेकंड में हमने मान लिया ये ट्रू है, मनोवैज्ञानिक का आधार है मौसम में, हालांकि ये फॉल्स है, और वायरस से प्रभावित व्यक्ति में इसके लक्षण 1 से 14 दिन एंटीबायोटिक्स का सेवन करने में, तो कुछ ट्रू कुछ फॉल्स ये हमने अटेम्प्ट कर दिया, अब बिना पढ़े इस वक्त कर दिया, क्योंकि इशू ये नहीं है कि इसका आंसर क्या है, आप सभी टीचर्स हैं तो क्वेश्चन आंसर तो बहुत अच्छा टेस्ट पेपर आप बनाते आए हैं, और ये हमने एज ए स्टूडेंट सबमिट कर दिया। तो देखिए अब हमको स्टूडेंट के नाते बता रहा है कि पहला मेरा आंसर सही था, और ये नंबर भी बता रहा है कि 1 पॉइंट का था और 1 मार्क्स मिल गए हैं, सेकंड भी मेरा आंसर ये बता रहा है सही है, थर्ड भी सही बता रहा है, फोर्थ भी सही बता रहा है, और ये फिफ्थ को बता रहा है कि मेरा आंसर ये रॉन्ग है, 0 पॉइंट मिले हमको इसमें, सिक्स्थ में बता रहा है करेक्ट है, सेवेंथ करेक्ट है, एट्थ फिर से ये बता रहा है कि रॉन्ग है इनकरेक्ट 0 पॉइंट, नाइन्थ भी इनकरेक्ट है और टेंथ सही है, तो ये तो हमने एज ए स्टूडेंट दिया था। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हमारी स्क्रीन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, 44 वेरी गुड, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ गए, इसका मतलब हमको आंसर इमीडिएटली मिल गया हमारे क्वेश्चन का कि हमने सही किया या गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इमीडिएटली आपको अभी पता चल गया था सर, अब आपके स्टूडेंट को, यानी कि अब जब आप टीचर थे तो अभी तो इमीडिएटली आपके स्टूडेंट को पता चला था, अब आपको क्या पता चलेगा ये हमारी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है, एक टीचर को क्या पता लगेगा ये अब मेरी स्क्रीन पर आया हुआ है इस समय, हमने थोड़ा और इलाज कर दिया इसको मोबाइल से, जो लोग जुड़े उनके लिए देखिए ABC जो हमने अटेम्प्ट किया था मेरा है ये, 70% हमने स्कोर किया था, और कब हमने शुरू किया, स्टार्टेड ऑन डेट के साथ टाइम 4:25 पे हमने स्टार्ट किया था, 4:25 पे ही खत्म किया, हमने 51 सेकंड लिया था इसको अटेम्प्ट करने में, और ये मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत था ये बता रहा है, सब चीजें आ रही है, साथ ही साथ इसमें ये भी आ रहा है, बाकी आप लोगों के नीचे आ रहे हैं रेस्पॉन्स, इसमें 28 रेस्पॉन्स इसमें पहले से थे, तो बात इसलिए ये 5 मई के पहले के रेस्पॉन्स हैं, जुलाई के रेस्पॉन्स में अभी 8 तारीख अल्फाबेटिकल सब, ये डॉक्टर अखिलेश जी का रेस्पॉन्स है शायद, और नीलम जी हैं, नेहा शुक्ला जी हैं, इस तरह से काफी लोगों के रेस्पॉन्स आए हुए हैं, टाइम कम है इसलिए हम उस पर जाके न चर्चा करके आपको सिर्फ ये बताते हैं कि इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स आपके पास आ जाएंगे, और जब सारे स्टूडेंट के रेस्पॉन्स आ गए तो एक नजर पे एज ए टीचर आपको क्या दिख रहा है, एक तो ऊपर टॉप पे इसमें शीट में आ रहा है एवरेज स्कोर मेरा 72% गया है, मिनिमम 30% स्कोर था, ये मिनिमम अब देखिए ये 30% स्कोर यहाँ पे है, और 100% मैक्सिमम स्कोर किया, 21 सेकेंड सबसे कम टाइम रहा किसी ने अटेम्प्ट किया इसको, हालांकि इसकी चर्चा अभी हम सेटिंग्स में जाएंगे तो करेंगे कि 21 सेकंड में कुछ गड़बड़ थी, और वो एक बार अटेम्प्ट करके दोबारा जिसने किया उसका 21 सेकंड था, पहले हो चुका है ऐसा, 3:35 मैक्सिमम टाइम लिया, एवरेज टाइम 1:38 था इसमें, इसीलिए हमने कहा था 2 से 3 मिनट आपको लगेगा, 48 रेस्पॉन्स टोटल आए हैं, हर किसने कब स्टार्ट किया और कब एंड किया ये पूरा डिटेल है हमारे पास में। इसके साथ ही जो है यहाँ व्यू एडिट लॉग भी आ रहा है, व्यू एडिट लॉग उस पर हमने क्लिक कर, तो
एडिट लॉग में लास्ट के केवल 3 लॉग को ये दिखाता है, जैसे ये आया 429 पे, ये जो है 429 और ये 12 लास्ट में सेकंड है, ये अटेम्प्ट किया था, स्टार्टेड द टेस्ट रश्मि शर्मा जी ने सक्सेसफुली लॉग इन उन्होंने किया था कितने बजे, ये भी लिखा हुआ है और नीचे उनका सिस्टम का नंबर आ रहा है। सिस्टम के नंबर से अगर किसी ने डबल लिया है तो तुरंत चेक हो जाता है कि किसी दूसरे नाम से भी एक बार ट्राई कर चुका है। तभी स्टार्टेड टेस्ट यानी कि ये प्रिया यादव जी ने टेस्ट स्टार्ट किया था तब तक 100%। इस तरह से अब फिर से हम डैशबोर्ड पे आ जाएं, यहां पर देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्वेश्चन बनाना वैसे ही आसान है जैसे अभी रवि जी बता चुके हैं, तो उसी तरह से इसमें बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कौन पहला जो क्वेश्चन था मेरा, 73% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। किस क्वेश्चन का कितने परसेंट लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, टॉप पे मेरा आ रहा है। तो अब एक नजर में हमें पता चल गया कि ये 8th क्वेश्चन जो है उसमें 42% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, सबसे कम जो करेक्ट आंसर के रेस्पॉन्स है। तो इस तरह से एक रूप में समरी के रूप में हमें जानकारी यहां पर मिल जाती है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट बनाएंगे कैसे, इस पर हम आ जाते हैं। तो टेस्ट बनाने के लिए हम बंद करते हैं इसको और टेस्ट मोज .com ये हमने URL में टाइप कर दिया है। ये पेज ओपन हुआ हमारा। अब यहां पर हमें जो शुरुआत करनी है बिल्ड अ टेस्ट से करनी है, वो इसलिए कि लॉगिन और साइन अप इसका पेड वर्जन भी आता है और पेड वर्जन हमें नहीं जाना है क्योंकि मेरा सारा काम फ्री वर्जन से ही चल जा रहा है। बेसिकली हम भारतीय हैं तो जहां तक काम मेरा चल जाता है बढ़िया ढंग से हम चला लेते हैं। तो बिल्ड अ टेस्ट पे हम आ गए। टेस्ट का नाम आपको टाइप करना है, तो टेस्ट का नाम अब जो है हम कुछ भी रख लेते हैं। अब मान लीजिए हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, पासवर्ड, अब ये चूज ए पासवर्ड कह रहा है। एक्चुअली क्या है इसमें, देखिए हमने कहा लॉगिन तो आप कर नहीं सकते, केवल टेस्ट बिल्ड करेंगे, तो आपको ये पासवर्ड याद रखना है। आप पासवर्ड कुछ भी रखें, आपको ये याद करना पड़ेगा और इसी पासवर्ड से आप ओपन कर पाएंगे इसको। फिलहाल हमने इसको चूज अ पासवर्ड, हमने 1234 कर दिया है, 1234 ये मेरा एडमिन पासवर्ड है। इस वक्त क्रिएट टेस्ट पे आ गए। अब ये डैशबोर्ड, पहला डैशबोर्ड, इसके बाद सेटिंग्स है। तो इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या है, बेसिक सेटिंग में हमारा टेस्ट का नाम तो पहले ही आ गया और टेस्ट के नाम के बाद में यहाँ आप चाहें तो फिर से बदल भी सकते हैं अगर कुछ गलत हो गया है। ये कलर स्कीम दे रहा है, कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा एक ऑलरेडी कलर ये सेलेक्टेड है, ब्लू कलर में सेलेक्ट किया अभी हमने। क्वेश्चन सेटिंग, सभी क्वेश्चन एक पेज पर दिखाने हैं, जैसे अभी हमने आपको जो क्वेश्चन दिए थे वो सारे क्वेश्चन एक ही पेज पे थे, और अगर हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, वन क्वेश्चन पर पेज है तो एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, फिर बार बार हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो कन्वीनियंट मेरे लिए ये था, हमने ये कर दिया और आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। रेंडमाइज द ऑर्डर, अब ये हमने चूंकि टिक कर दिया था तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सबकी स्क्रीन पर एक ही नहीं था, कुछ अलग भी होगा। अगर ये रेंडमाइज द ऑर्डर हटा देते हैं तो अब क्वेश्चन का सीरियल ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा। तो यदि आप टेस्ट पेपर ऐसा बना रहे हैं जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सेक्शन आपने बना रखा है, तो फिर रेंडमाइज पे क्लिक मत करिए। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं तो आप रेंडमाइज पे क्लिक करिए। अभी हम लॉन्ग आंसर भी लेंगे तो हमने रेंडमाइज हटा दिया। और इसके बाद स्कोर आप क्या स्टूडेंट को बताए, तो हाँ अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का तो इवैल्यूएशन खुद कर लेगा, आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपकी स्क्रीन पे आ गया था सभी लोगों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया स्कोर, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का ये वैल्यूएशन नहीं करेगा। और अभी हम डिस्क्रिप्टिव भी ले रहे हैं तो आप ये हटा सकते हैं।
डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, डिस्प्ले द करेक्ट आंसर आप चाहे तो रख भी सकते हैं और स्कोर अगर रखना चाहे इट इज अप टू यू। हाँ यहाँ पर देखिए कितनी बार ले सकता है एक स्टूडेंट टेस्ट, अनलिमिटेड। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं बार बार लेकर के फिर तो वो आंसर करेक्ट दे देगा, पहली बार अटेम्प्ट करेगा उसको सब आंसर सही पता चल गया, दोबारा बार में 100% लाएगा। तो हमने वन टाइम कर दिया था, पहले एक्चुअली जब हमने टेस्ट बनाया था अनलिमिटेड था, इसीलिए एक स्टूडेंट ने पहले अटेम्प्ट किया था, दोबारा फिर अटेम्प्ट किया तभी वो 21 सेकंड दिखा रहा था। और अब हमने वन टाइम वन मिनट नहीं सॉरी ये हाउ मेनी टाइम्स ये नीचे है जो अभी हम बात कर रहे थे, तो वन टाइम की बात नीचे हो गई। अब ये कह रहा है द टाइम, कितने टाइम में क्वेश्चन पहले आया, कितना टाइम आप उसको देंगे। तो यहाँ अनलिमिटेड, अगर आपको ये कैलकुलेटेड है कि इस क्वेश्चन पेपर को करने में कितना टाइम लगेगा तब यहाँ टाइम डाल दें मिनट का, अदरवाइज आप अनलिमिटेड, इट इज अप टू यू। ये मोटी मोटी बेसिक सेटिंग्स हो गई है हमारी, बाकी जो सेटिंग्स हमने स्किप कर दी है एक्चुअली वो पेड सेटिंग्स में है। जैसे जब भी कोई स्टूडेंट आंसर ले अटेम्प्ट करे तो क्या ईमेल आपके पास आए, तो हमने नो कर रखा है क्योंकि यस हम वैसे ही करेंगे तो कहेगा ये तो पेड वर्जन है पैसे दीजिए, और वैसे भी ईमेल बार बार हम लेंगे तो ये हमारे लिए समस्या खड़ा करेगा। अब तो सेटिंग्स मेरी सेव करना है, हमें सेव हमने कर दिया। अब आ गए क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन पे इंसर्ट। अब फ्री में वर्जन में कितने क्वेश्चन हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन पेपर में हम 50 क्वेश्चन तक ले सकते हैं। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन में देखिए यहाँ मल्टीपल चॉइस है, अभी इसकी चर्चा गूगल में भी हुई थी, आप देख चुके हैं चूज वन, जब आपको एक ही चूज आंसर करना है। दूसरा मल्टीपल चॉइस चूज मैनी, एक से ज्यादा आंसर चूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स मैचिंग फिल इन द ब्लैंक और एसे टाइप। तो पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, व्हेन वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड, और फिर उसी तरह से है कि हमने क्लिक किया चॉइस वन पे, जैसे ही क्लिक किया है चॉइस वन बाय डिफॉल्ट आएगा, और जैसे ही क्लिक किया आप कुछ भी टाइप करेंगे तो टाइप हो जाएगा 1947, चॉइस टू हमने दी 1948, 1949, 1950, ये चार चॉइस हमने दे दिए। और चेक टू एट आंसर चॉइस, अगर आंसर चॉइस हमें देना है तो यहाँ करने के बाद में मल्टीपल चॉइस मेरा ये क्वेश्चन था, और ये 1949 ये 1948 करेक्ट आंसर है, तो 1948 पर हमने क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब ये वैसे तो अपने आप बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है, और क्योंकि जैसे ही हमने देखिए नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे सेव आ रहा है, जैसे ही सेव पे क्लिक किया आया डोंट वरी अबाउट सेविंग दिस पेज इज ऑटो सेव। तो अब इसी तरह से आप इंसर्ट करके मल्टीपल चॉइस मैनी भी दे सकते हैं क्वेश्चन। अभी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम ये क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस मैनी में क्या आंसर होगा कि आप ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जिसमें दो आंसर हो, मान लीजिए ये उस क्वेश्चन में आंसर टू और थ्री दोनों सही है, तो टू और थ्री पे हमने चेक कर दिया, मतलब ये साथ ही साथ मेरा आंसर भी सेट होते चल रहा है। और पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमने ये टू पॉइंट का रखा था, दूसरा भी क्वेश्चन हमने टू पॉइंट का रखा, तो अगर दोनों वो चेक कर देगा करेक्ट आंसर बताएगा तो टू पॉइंट मिल जाएगा, एक करेक्ट बताया तो वन पॉइंट उसको मिल जाएगा। इसके बाद हमने अगर किया ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, तो ट्रू फॉल्स में मान लीजिए एक सेट कर देते हैं हायर एजुकेशन कमीशन या बल्कि हायर एजुकेशन कॉज द
टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द नेशनल एजुकेशन कमीशन. हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, तो टाइपिंग मेन इश्यू नहीं है, वो तो समझाना. देखिए ट्रू फॉल्स इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है और हमारा ये आंसर बाय चांस ये जो है ये फॉल्स था, इसलिए हमने फॉल्स पे टिक लगाया है. तो इस तरह से ट्रू फॉल्स भी हो गया. अब फिल इन द ब्लैंक की बारी आ गई. फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन secondary education commission is also known as correct answer. इसका जो है आपको यहां पर टाइप करना है, तो हमने टाइप कर दिया मुदालियर कमीशन. ये फिल इन द ब्लैंक मेरा हो गया. अब इसमें एक चीज है कि अगर ये केस सेंसिटिव हम टिक कर देते हैं तो फिर वो करेक्ट आंसर तभी उसको मानेगा जबकि मुदालियर का एम और कमीशन का सी कैपिटल होगा. और अगर हमने इसको नहीं क्लिक किया है तो फिर वो चाहे कैपिटल में टाइप करे चाहे स्मॉल में, बस मुदालियर कमीशन टाइप होना चाहिए. तो इस वक्त हम इसको केस सेंसिटिव नहीं बना रहे हैं. इट्स अप टू यू कि आपको जरूरत जहां महसूस होती है आप केस सेंसिटिव बनाएं. फिल इन द ब्लैंक भी हो गया मेरा. और लास्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन. हाँ, यहां पर क्या है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन के पहले आप चाहें तो ये मैच द पेयर्स शायद निकल सकता. क्या हुआ, शेयरिंग हट गया क्या मेरा? नहीं नहीं, शेयर तो हो रहा है. मैच द पेयर्स होते हैं जो पेयर पेयर करते हैं, जो मैचिंग करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये मैचिंग छूट गया मेरा. ये मैचिंग बिल्कुल सर, मैचिंग रह गया था. बहुत अच्छा सर ने याद दिलाया, ये धन्यवाद सर. मैचिंग इम्पोर्टेंट वन है, इसमें थोड़ा टेक्निकल थोड़ा समझना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं. हालांकि ये मैचिंग में आप जो भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग लिख देंगे क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम जो है मैचिंग के लिए बना रहे हैं जैसे वुड डिस्पैच, वुड वुड डिस्पैच. इसके बाद हमने चार चीजें हमने ले ली, हंटर कमीशन, फिर हमने ये क्लिक जो भी टाइप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कुछ टाइप आएगा उस पर क्लिक करेंगे आपको अपना टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा. शिमला एकॉर्ड और फोर्थ वन हमने ले लिया है कर्जन एजुकेशन पॉलिसी. अब क्या था कि इसके इधर हमें करना था, तो हमें ये मालूम है कि वुड डिस्पैच में हमें आंसर तो देना था 1854, लेकिन हमने इसको नीचे रख दिया, फोर्थ में रख दिया 1854. और हंटर कमीशन का मेरा करेक्ट आंसर था 1882, तो 1882 को ले जाकर के हमने ये फर्स्ट वाले में हमने रख दिया. और इसके बाद शिमला एकॉर्ड, शिमला एकॉर्ड का मेरा आंसर था ये 1901, तो इसको हमने जो है ये फोर्थ में ये यहां पे कर देंगे. लास्ट में कर्जन एजुकेशन पॉलिसी बच गया मेरा, तो इसका 1904 ये करेक्ट आंसर तो थे, लेकिन हमने इधर उधर सेट कर दिए हैं. अब यहां इसका सही आंसर कैसे फीड करेंगे ये देखिए. वुड डिस्पैच का हमने कहा करेक्ट आंसर हमने लगाया था फोर्थ पर, तो यहां पर वन वुड डिस्पैच के बगल में वन आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्चुअली आपने करेक्ट आंसर जहां भी लगाया है इसमें से आपकी मर्जी है. हमने फोर्थ पे लगाया था उसको हम बस सेलेक्ट कर लेंगे. हंटर कमीशन को हम सेलेक्ट करेंगे
ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ गया मेरा, वन पे लगाया था। शिमला एकॉर्ड को हम सेकंड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फोर्थ पे, और कर्जन यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे थर्ड। थर्ड ऑलरेडी इसने ले लिया है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर भी सेट हो गया। तो करेक्ट आंसर आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर, कि करेक्ट आंसर ये जो लेफ्ट साइड में नंबरिंग सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ सेट करना है। बाकी क्वेश्चन तो आप सेट करना, देखिए एक तरफ मैच द फॉलोइंग में टाइप कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए मैच द फॉलोइंग, दोनों कॉलम हो गए, बस आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया और सेव भी हो गया है। अब यहां पर जो है इंसर्ट, इंसर्ट में ये क्वेश्चंस के अलावा नीचे से एक फ्री वर्जन में हमारे टेक्स्ट ब्लॉक भी ऑप्शन आता है। अब ये टेक्स्ट ब्लॉक जो आया मेरा, तो अगर हमने मान लीजिए किसी क्वेश्चन के, मेरे दो सेक्शन है, लॉन्ग आंसर का अलग है, तो यहां हम ये लिख देंगे सेक्शन बी, सेक्शन बी, इसीलिए हमने वहां पर जो है आगे शफल क्वेश्चन को ऑर्डर हटा दिया था। शफल क्वेश्चन में जब दिक्कत होती, सेक्शन बी यहां कर दिया हमने, और यहां अब जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन कर दिया हमने, और ऐसे टाइप क्वेश्चन एक हम जो है टाइप कर रहे हैं, गिवन इंट्रोडक्शन टू द एनसीईटी और एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लॉन्ग आंसर है तो वो है टाइप नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे हैं। ये आ गया मेरा लॉन्ग, अब ये लॉन्ग आंसर यहां टाइप करने का ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। अब इसी तरह से जितने क्वेश्चन आप रखना चाहे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चंस ये रखने की फ्री वर्जन में आपको परमिशन देता है, आप क्वेश्चन पेपर में रख सकते हैं। अब यहां पब्लिश करने का मेरे पास ऑप्शन है, तो लास्ट में हमने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश का मतलब ये फाइनल मेरा हो गया। इसके पहले ये फिर से एक वार्निंग देके पूछ रहा है रेडी टू पब्लिश, यहां पर ये देख रहा है रेडी टू पब्लिश के साथ साथ हमारे पास इसके ऑप्शन आ रहे हैं कि व्यू प्रिंट योर, ये रेडी टू पब्लिश पे पहले हम कर देते हैं पब्लिश। अब पब्लिश जैसे ही आपने किया, तो देखिए हमने शुरू में जो आपको एक कोड दिया था testmos.com/this, ये आपका आ गया। ये आपको अपने स्टूडेंट्स को यही कॉपी कर करके और ये देना होगा ये। तो जैसे ही आप ये स्टूडेंट को देंगे और वो ओपन करेगा, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। और अभी चूंकि कुछ सेटिंग्स में जाते हैं, क्विक देख लेते हैं बाकी, क्योंकि बाकी सब सेटिंग जो है इसमें कोई खास नहीं है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं चीजें, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। सेटिंग्स में टेस्ट का नाम तो पहले ही आ गया था, ये आ गया था, क्वेश्चन सेटिंग आ गया, यहां पर रिव्यू सेटिंग और ये कंक्लूजन टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज रिप्लेस आफ्टर द टेस्ट इज सबमिटेड। टेस्ट के सबमिट होने के बाद में थैंक यू या जो भी आपको स्टूडेंट को बताना हो, जो भी आप कहना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दें, तो जब वो टेस्ट दे लेगा तो लास्ट में स्क्रीन पर इसके ये आएंगे। और शुरू में भी आप जो है इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए ऊपर आ रहा है, जैसे टेस्ट का नाम था हमने स्किप कर दिया था इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर आप जो टेस्ट के मेरे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दिस क्वेश्चन कंटेन्स टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी, वो सब आप यहाँ टाइप करेंगे। आप यहाँ मैक्सिमम मार्क्स भी टाइप कर सकते हैं, नेक्स्ट कर क्या सकते हैं, करने ही है मैक्सिमम मार्क्स ये, एंड देन टाइम अलाउड जो भी है। मैं चाहता हूं आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम मिले, इसलिए टाइपिंग पे ना जा करके यहां सारे क्वेश्चन पेपर या टेस्ट पेपर जब आप बनाते हैं उसके स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो आप यहां पर कुछ भी टाइप कर दें, सारे इंस्ट्रक्शंस यहां पे आप स्टूडेंट को दिखाई देंगे। लास्ट का ये हो गया और फिर अब ये आपका देखिए यहां पर स्टूडेंट लॉगिन
अभी स्टूडेंट लॉगिन का हमने पासवर्ड सेट नहीं किया है, 1234 वैसे सेट करेंगे तब आएगा। अच्छा सेट ऑलरेडी है, कर दिया था हमने, ये अब आ गया स्टूडेंट लॉगिन को। अब स्टूडेंट लॉगिन देखिए ये कर दिया हमने, कुछ भी चॉइस दे दीजिए, 2.2 का है स्टूडेंट लॉगिन कॉल्स, हमने कुछ टाइप कर दिया, इसमें भी गुड डिस्पैच, अब वो सेलेक्ट करना था आपको, हम अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, सब गलत आएंगे कोई बात नहीं। और ये लॉन्ग आंसर स्टूडेंट ने ये कुछ टाइप कर दिया था, जो भी कर दिया, और इसको उसने सबमिट कर दिया। स्टूडेंट को तो पता चली गया कि ये सब गलत क्या है, क्योंकि सही आंसर फील्ड था। और इसके बाद में अब हम देखते हैं फिर से, एडमिन लॉगिन, अपने टीचर की लॉगिन, टीचर वाले पे हम जाते हैं। अच्छा ये हमने पासवर्ड पासवर्ड हमने क्या सेट किया था, शायद 1234 है, 1234 था शायद, में भी 1234 वो था। एक मिनट सेटिंग्स में ये एडमिन पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड 1234 रिजल्ट में गए, 1234 आप सही बता रहे थे सर, बिल्कुल। यहां पर देखिए अब क्या है कि वो मार्क्स तो बता ही देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का तो उसने खुद इवैल्यूएशन करना था, मेन चीज हमें जो आपको बतानी है लॉन्ग आंसर में, देखिए मेरा 6th लॉन्ग आंसर था, वहां उसने इवैल्यूएट नहीं किया, क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर अब आप क्लिक करिए, और जैसे यहां क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ने क्या लिखा है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने ऐसे ही टाइप कर दिया था। अब इसको पढ़ने के बाद अब आप यहां मान लीजिए जो है कुछ भी गलत किया, लेकिन एक नंबर हमने 0 दे दिया, चलिए। और इसको हालांकि हम पॉइंट चेंज करना भूल गए थे, लॉन्ग आंसर था तो 10 पॉइंट मतलब 10 नंबर करना था वहां, तो कर देंगे। यहां पर अब आप पढ़ करके मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा लॉन्ग आंसर, और ये आपने सेव चेंजेस करा, ये जैसे ही सेव चेंजेस किया तो देखिए यहां पर अब जो है स्टूडेंट के 2.95 out of 8 स्कोर आ रहा है यहां पर। और अगर मान लीजिए दोबारा फिर से हमने क्लिक कर दिया और दोबारा लगा कि नहीं अब इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, और अब हम इसी स्टूडेंट का नंबर बदल दिया हमने, तो देखिए अब आया स्कोर इस स्टूडेंट का हो गया 3.95, बदल गया, यानी कि जो भी आप दे देंगे नंबर वो फाइनल होगा। इसके अलावा यहाँ जैसे इसको हमें डाउनलोड कर सकते हैं पूरे को पॉइंट ग्रिड में, तो एक्सेल सीट पूरा डेस्कटॉप पे देखिए डाउनलोड हो गया क्विज में। पॉइंट ग्रिड का मतलब वैसे ही एक पॉइंट जो कितने नंबर का क्वेश्चन था, और 1 पॉइंट आए, 0 पॉइंट आए, कितना है, कितने बजे टेस्ट लेना शुरू किया, कब आया, पूरा जो कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था वो सब कुछ एक्सेल में मेरे आ चुका है, क्लिपबोर्ड वगैरह ये सारी चीजें। आपको एक ड्रॉबैक इसका ये कह दें हम इस टेस्ट मोज में कि इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड ना होने के कारण ये जो नंबर शुरू में आया था जो हमने आपको लिंक में भी दिया था और पासवर्ड, ये आपको हमेशा याद रखना है, अगर ये भूल गए तो आपका समझिए टेस्ट गया और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहां और इसके लिए जितने क्वेश्चंस हमने टाइप किए थे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा कि आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं पूरी, तो वो ऑप्शन आएगा इसके पास यहां पर
review settings. पब्लिश में आ रहा था वो पब्लिश प्रिंट वाला जी ये राइट साइड डाउनलोड एज वर्ड टॉप लिखा हुआ राइट साइड बिल्कुल बिल्कुल व्यू प्रिंट ये वर्जन यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड प्रिंट का ऑप्शन व्यू प्रिंट और डाउनलोड एज वर्ड डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ डाउनलोड एंड वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वर्जन ये एक्चुअली हमने कहा ना कि क्वेश्चन रिसफल करने का ऑप्शन अगर दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे तो आपको ए सेक्शन ए वो वर्जन ए वर्जन बी वर्जन सी इसका मतलब आप ही के क्वेश्चन है लेकिन शफल होकर जो ऑर्डर आ रहा है वो वर्जन है और फुल वर्जन मतलब जो आपने टाइप किया है वो है तो एक बार अगर आप डाउनलोड कर लेंगे इसको व्यू प्रिंट डाउनलोड और ये आपने डाउनलोड कर लिया तो ये इससे एक फायदा ये होगा कि इस फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट ऑब्लिक में अंडर स्कोर में वो ले रहा है यानी कि ये testmos.com/42848088 ये जो चीज है ये इसमें बाय डिफॉल्ट आ गई है तो पासकोड अब आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये फाइल आपके पास सेव है तो और इसको आप हार्ड कॉपी में भी कभी यूज कर सकते हैं बाकी जो चीजें हैं हमारा काम तो इतने से चल जाएगा बाकी पेड वर्जन में और भी फैसिलिटीज हैं टाइम कम है तो इसलिए अब इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही सुगम तरीके से हमको ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लोग गूगल मीट पे अटेंडेंस ले सकते हैं और साथ में साथ testmos.com से किस प्रकार से टेस्ट तैयार कर सकते हैं चाहे टेस्ट वो MCQ वाला टेस्ट क्यों ना हो कि चाहे फिल इन द ब्लैंक वाला कोई टेस्ट क्यों ना हो या और अलग अलग प्रकार से आपने बताया कि जो मैचेस हैं यदि वो मैच करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं और साथ में साथ यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उस प्रकार से किसको उसको मैनुअली हम चेक कर सकते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत बारीकी से ये सब हमको समझाने का प्रयास किया वाकई में जब से वेबिनार की जो सीरीज शुरू हुई है हमारे सामने रोज एक प्रश्न नया उठता है कि अब अगला वेबिनार किस पे किया जाए और हमें हर एक वेबिनार में इतनी अच्छी नई नई चीजें जो है वो सीखने के लिए मिल रही है तो वेबिनार में शायद इंटरेस्ट सब लोगों का बढ़ रहा है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं अब डॉक्टर पंकज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर पंकज के बिना हमारा कोई भी वेबिनार संपन्न नहीं हो सकता हमारा NIAPVD में जितना भी वेबिनार होता है इसके लिए सबकी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर पंकज जी की है तो डॉक्टर पंकज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर पंकज धन्यवाद सर ये आपने कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी खैर कोई बात नहीं सभी को धन्यवाद की श्रृंखला तो सबसे पहले आज सबसे पहले तो प्रतिभागियों को कि सब आप प्रतिभाग कर रहे हैं और सीखने के लिए हमारे बीच जुड़ रहे हैं इसलिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार हुई है इस संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा उनका उनके मार्गदर्शन और उनके निर्देशन के अनुसार ही यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है तो डॉक्टर हिमांशु दास सर जो निदेशक हैं हमारे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के उनका मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं यहां से और साथ ही इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे सर आप सुनील सर बड़े ही मृदुभाषी हैं और बहुत ही कम समय में भी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपने इस अपने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए आपने समय निकाला सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने पूरे कल भी और आज आप पूरे कार्यक्रम में हमारे बीच रहे और इस कार्यक्रम को कंडक्ट किया सर इस कार्यक्रम में आज हमारे दो महत्वपूर्ण जो साधन सेवी के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे पहले तो डॉक्टर रवि गुप्ता सर आए थे जो मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में उनका बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने बहुत ही सरलता से और बड़े ही बारीकी से बहुत ही फीचर्स को बड़े कम समय में बहुत सारे फीचर्स को बता दिया हम लोग इस वीडियोस को अपलोड करेंगे एक दो दिन की देरी हो रही है थोड़ी माइनर एडिटिंग के साथ हम डालना चाह रहे हैं तो आप इसको बाद में भी NIAPVD देहरादून के जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियली आप उस पर जाकर के देख सकते हैं तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी कि जो हमारे लिए बाद में बहुत काम आने वाली फिर अगले स्पीकर के रूप में आए डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा साहब
उन्होंने तो बहुत ही कमाल कर दिया, एक अच्छा सा टूल हम लोगों के बीच नया शेयर किया जिसके प्रयोग से हम ऑनलाइन सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हम लोग बिना किसी समय गवाए बहुत एनालिसिस पे ध्यान दिए। अगर आप जल्दी से कुछ चाहते हैं तो वो टेस्टमोज का उन्होंने एक उपयोग दिखाया है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट आइटम की संख्या 50 से कम हो तो उन्होंने बहुत ही सरलता से और बहुत ही सटीक रूप में अपने चीजों को सर ने सामने रखा। मैं सर का बहुत धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के सफल संचालन में जितने भी आईटी के टीम सदस्य सब लोग लगे हुए हैं तो उन सभी का धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हर वो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच जुड़ा हुआ है या फ्यूचर में भी लाभान्वित होने वाला है उन सबको पहले से धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।